आज हम जाने वाले हैं सेबी के कुछ सेकंड लेक्चर की तरफ और नियरली आज आपका सेबी एक्ट वाला कंटेंट खत्म होगा। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने बताया था सेबी का कुछ प्रिलिमिनरी और फिर उसके बाद में हमने थोड़े बहुत प्रोविजंस देखे थे। सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। कल हमने शुरू किया था कुछ फेमा के दो तीन प्रोविजन थे उनको खत्म करके, फिर हम गए थे सेबी पे और सेबी का मैंने हिस्ट्री शुरू किया था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा हिस्ट्री, डेढ़ दो घंटे का हिस्ट्री था। हमने देखा था कि सेबी के हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट का या कैपिटल मार्केट का हिस्ट्री जानना चाहिए। इंडिया में सबसे पहले कैपिटल मार्केट की शुरुआत 1855 में हुई थी और वो भी बरगद के पेड़ के नीचे। एक फारसी और एक गुजराती स्टॉक ब्रोकर ने मिलकर यह सिचुएशन शुरू किया था, जो 1874-75 में शिफ्ट हुआ था दलाल स्ट्रीट पे, और दलाल स्ट्रीट पे ही उन्होंने खुद के स्टॉक एक्सचेंज को नाम दिया 1925 में और बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और साथ में उन्होंने खुद के लिए एक लॉ भी बना लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नाउ इसी चीज को आगे कैरी किया गया एंड डाउन द लाइन अगर आप देखो तो नियरली आपका 1945 में इनको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया गया, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। नाउ कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट के अंदर अथॉरिटी था कैपिटल इशू कंट्रोलर, और फिर उसके बाद में 1956 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को सुपरसीड करते हुए आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का इजाद किया गया। नाउ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफरेंस यह था कि बीएससी एक्ट ये सिर्फ बीएससी को कवर कर रहा था, सिकरा यह एंटायर सभी स्टॉक एक्सचेंज को कवर करता है। इन एडिशन टू दिस जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा 1980s तक के आपका कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट ही चल रहा था, हालांकि 88 में सेबी का गठन किया गया और नियरली बीच के दो चार साल ऐसे थे जहां पे कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट और सेबी का एक और कॉम्बिनेशन हमको देखने मिला। सेबी ने फिर खुद के लिए लॉ बनाया था 1992 में, और 1992 में लॉ बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्वासी गवर्नमेंटल अथॉरिटी बना दिया कैपिटल मार्केट का इन 1995, और तब से लेके सेबी में बूम आया है। हमने कुछ चार लोग देखे थे जिन्होंने सेबी को बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस किया है, रादर देन सेबी आई विल से कैपिटल मार्केट को बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस किया है। फर्स्ट इज प्रेमचंद रायचंद, उसके बाद में आपके फिरोज जमशेद जी जिजूभॉय, उसके बाद में धीरूभाई अंबानी और सबसे आखिरी हर्षद मेहता। कुछ लोगों ने पॉजिटिवली किया, कुछ लोगों ने निगेटिवली किया, लेकिन अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अमाउंट के हिसाब से उन्होंने स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद में हम गए थे सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में। वी हैव सीन दैट कि सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बंदा होता है, कौन, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोलो, पहला चेयरमैन, दो ऑफिसर्स फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, एक ऑफिसर आरबीआई, 5 मेंबर जिसमें से 3 होल टाइम 2 पार्ट टाइम। अगर आपको याद होगा तो कल हमने सेबी का चेयरमैन देखा था, कौन था, यू के सिन्हा, उपेंद्र कुमार सिन्हा। क्लियर है आंसर सबको, है ना? तो कल हमने सेबी में इतनी चीजें देखी थी और इसके एडिशन में सेबी के कुछ पावर्स देखे थे। सेबी के बेटा चार पावर्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा, प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 11A, दूसरा डायरेक्शन सेक्शन नंबर 11B, तीसरा इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन नंबर 11C और चौथा सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 11D। प्रोस्पेक्टस नाम से हम कौन सी चीजों को कवर करते हैं, ऑल चीजों को, दैट इज ऑफर डॉक्यूमेंट कंसर्न को। अगर हम प्रोस्पेक्टस में ऑर्डर पास करना चाहे तो दो ऑर्डर पास कर सकते हैं, एक स्पेशल और एक जनरल। अब जनरल ऑर्डर होती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे कल मैंने आईटी सेक्टर का एग्जांपल दिया था, और स्पेशल ऑर्डर होती है कंपनी स्पेसिफिक। यह होने के बाद में हमने देखा था डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन आप क्यों क्यों दोगे बताओगे एक बार। सबसे पहले टेक्स्ट वाली चीज है, क्या क्या, पहला प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर वगैरह, डायरेक्शंस टू इन्वेस्टर, ब्रोकर सब ब्रोकर को कंट्रोल करने के लिए और इन्वेस्टर के सेफ्टी के लिए और कैपिटल मार्केट के ग्रोथ के लिए। इसके एडिशन में हमने देखा था कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन दे सकते हो, आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट में डायरेक्शन दे सकते हो, आप कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस के लिए और कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए डायरेक्शंस दे सकते हो। क्लियर है? यह होने के बाद में हमने देखा था इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। गांव वालों, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन याद है? बोलो, सबसे पहला वाला सस्पिशन, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफिसर, तीसरा गैदरिंग इंफॉर्मेशन, चौथा इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पांचवा अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, छठवा सर्च सीजर ओथ, सातवा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आठवा ऑर्डर बाय सेबी, नौवा एवरी ऑफिसर और एम्प्लॉई कोऑपरेट, और इफ नॉट कोऑपरेट देन ईट गोली। ये सुनो, गोली खानी थी ना, कितने की गोली थी, 1 करोड़ का इंजेक्शन था, 5 लाख की गोली हर रोज थी और 1 साल के लिए भर्ती था, कहां पे, जेल में।
कंसेप्ट समझ में आया सबको, है ना? तो ये हमने देखा था, और सबसे आखिरी हमने सेक्शन देखा था 11D, दैट इज सीज एंड डेसिस प्रोसेसिंग. सीज का नाम मतलब क्या होता है? बंद करना. डेसिस का मतलब पीछे खींचना. मुझे होता बंद किसको करोगे? जिसने कंफर्म फ्रॉड किया है. और पीछे किसको खींचोगे? जिसके ऊपर सिर्फ सस्पिशन. क्लियर है कंसेप्ट सबको? है ना? जोर से बोलो इससे ना. चलो आज बढ़ते हैं आगे. हम सेबी लेक्चर में ही अगले पार्ट के ऊपर जाएंगे, और आज हमको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट देखना है सेबी एक्ट का, दैट इज पेनल्टीज. आज के लेक्चर के अंदर आपका बहुत बड़ा एनालिसिस होगा सेबी के सभी टाइप के पेनल्टीज के ऊपर. आप नियरली किसी भी लॉ में इतने सारे पेनल्टीज नहीं पढ़ोगे जितने सेबी में पेनल्टीज है. एकदम भर भर के, मतलब कंपनीज एक्ट में इतने पेनल्टीज है लेकिन कंपनीज एक्ट का साइज उतना बड़ा है. हालांकि आप सेबी में देखो तो पेनल्टी हर ऑफेंस के हिसाब से अलग अलग की गई है. क्लियर कंसेप्ट? तो आज हम पूरा नियरली आधा लेक्चर सेबी के पेनल्टीज की तरफ देंगे, और अगर समय बचा तो हम आईसीडीआर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे. क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करना. अच्छे तरीके से ध्यान देना पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर. लेट्स गो. ओके, आ जाओ, अंदर आ जाओ. मैं चाहूंगा कि सब जन आ जाओ पेज नंबर 2.9 पे. पेज नंबर 2.9, गो फॉर इट. श्योर, लेट्स गो. अब सबसे पहले तो आप पेज नंबर 2.9 के ऊपर का टेबल देखो. मस्त दिख रहा है एकदम, है ना? आपके राइट साइड में है सेक्शंस, हाँ सॉरी, आपके लेफ्ट में है सेक्शंस. बुक के राइट साइड में बोल रहा था मैं वैसे, ठीक है. सो आपके लेफ्ट साइड में है सेक्शन, मिडल पार्ट में है आपके पेनल्टीज के पर्टिकुलर्स, और आपके राइट साइड में है दैट इज क्वांटम ऑफ पेनल्टीज. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना. अब बेसिकली जरा उसका साइज देखना कहां तक के है. डेढ़ पेज नियरली, है ना? एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है. बुरी खबर यह है कि ये पूरा का पूरा टेबल टंग पे होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग सेक्शन नंबर, इंक्लूडिंग सेक्शन के पर्टिकुलर्स एंड इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ पेनल्टी. और अच्छी खबर यह है कि अगले डेढ़ घंटे के अंदर या दो घंटे के अंदर ये सब आपके टंग पे हो जाएगा, ठीक है. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखेंगे कैसे, ठीक है. सो अच्छी खबर बुरी खबर साथ में. नाउ ओके, सो अभी हमको स्टार्ट करना विद द पेनल्टीज. लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा पेनल्टीज शुरू करने के पहले हम इन पेनल्टीज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानते. देखो आप नियरली कई सारे एक्ट्स पढ़ोगे, कई सारे सिचुएशंस को पढ़ोगे जिनके अंदर आपको पेनल्टीज का वेराइड अमाउंट दिखेगा. लेकिन सेबी के पेनल्टीज ये बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब. मतलब ये 1 करोड़ के सिवा तो बात ही नहीं करते, ठीक है. मतलब 1 करोड़ तो ये शगुन के लिए लगा देते कि नहीं भैया पेनल्टी लग रही है, 1 करोड़ के नीचे लगाएंगे हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा, इसलिए 1 करोड़ लगा देते. और बाकी वेरिएबल पेनल्टी लाखों में चलेगी आपकी, पर डे 1 लाख या पर डे 5 लाख या पर डे 2 लाख, तो ऊपर के छुट्टे पुट्टे पैसे इनके लिए, ठीक है. और अगर आप सीवियर ऑफेंस करो तो फिर ये 25-25 करोड़ तक पहुंच जाते हैं. अब जिनका कंपनीज एक्ट मेरे साथ हुआ है उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का एक सेक्शन पढ़ा होगा. अब जिनका नहीं हुआ उनको सेक्शन याद हो जाएगा. मुझे तो इनसाइडर ट्रेडिंग का सेक्शन कौन सा है, एक फटके दूंगा सेक्शन, ठीक से बोलो. 195, क्लियर है? 194 फॉरवर्ड डीलिंग, 195 इनसाइडर ट्रेडिंग. 195 में आपने सेबी के पेनल्टी का एक ग्लिम्स देखा होगा, 25 करोड़ की पेनल्टी बोली गई है. आज हमको उसी पेनल्टी को यहां पे साथ में मिलकर पढ़ना है. चल अब हम पेनल्टीज के साथ में शुरू करते हैं. जैसे जैसे मैं डायरेक्शंस दूंगा वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो जाके आपकी अच्छी खबर सच होगी. और अच्छी खबर क्या थी कि 2 घंटे के अंदर आपको ये टेबल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सर्ट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना. मुझे एक बात बताओ सेक्शन की रेंज कहां से शुरू होती है, 15A, और देखना 15A, B, C, D, E, F, 12A, 15G, 15H, 15HA, 15HB, और उसके बाद में सेक्शन नंबर 24. ऐसे नंबर ऑफ सेक्शंस आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग पेनल्टी, ठीक है. अब पहले सेक्शन के साथ में शुरू करते हैं. मैं चाहूंगा साथ साथ में, सबसे पहला सेक्शन, पहले सेक्शन में पार्ट है 3, तो चाहूंगा सबसे पहला पॉइंट पढ़ना. रेडी, 1, 2, 3 बोलो क्या है.
फेल्यूर टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू सेबी, रिटर्न डॉक्यूमेंट रिपोर्ट नहीं फाइल किया तो पेनल्टी। दूसरा पॉइंट, फेल्यूर टू फाइल और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट किसको, सेबी। मतलब कोई भी रिटर्न, कोई बुक्स, कोई इंफॉर्मेशन फाइल नहीं किया तो भी पेनल्टी, नियरली थोड़ा बहुत रिपीट रिपीट लग रहा होगा। और तीसरा, फेल्यूर टू मेंटेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, कैन आई से पेनल्टी इज फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स? जोर से बोलो हाँ, है ना। अगर आप एक तो अकाउंट्स बुक्स या रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स मेंटेन नहीं करते, या आप अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स फाइल नहीं करते, तो आपको पेनल्टी बोला गया है जो है लोअर ऑफ रुपीज 1 लाख पर डे और 1 करोड़। हाँ ना, ऊपर लोअर पढ़ लिया अपने, 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब है अगर आप 90 दिन तक बुक्स फाइल नहीं करते, या अकाउंट्स फाइल नहीं करते, या रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 90 लाख। वही अगर आप ये ऑफेंस सेंचुरी मार के आगे बढ़ो, सेंचुरी मार के आगे बढ़ो 100 दिन के ऊपर, समझो 120 दिन का ऑफेंस किया, तो आपको पेनल्टी कितनी आएगी, मैक्सिमम 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ तक की आपकी पेनल्टी जा सकती है। क्लियर है? दैट मींस ये अच्छी बात है कि मैक्सिमम लिमिट ऑन पेनल्टी इज 1 करोड़। लेकिन देखो, पेनल्टी कौन से टुच्चे से चीज के लिए है? इट इज अबाउट नॉट फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स। ये टुच्ची सी चीज है और उसके लिए उन्होंने पेनल्टी लगा दी, भैया 1 करोड़ रख लो, खुश रहो, इज्जत में। क्लियर है? नाउ ऐसे सिचुएशन में सेक्शन है 15A। अब जैसे मैंने आपको बोला था, यह सब चीजें याद करनी है और टंग पे आना चाहिए, तो अब हम इन सेक्शंस को याद करेंगे उनके जो स्टार्टिंग लेटर है उसके हिसाब से। जैसे मैं इस सेक्शन को बोलता हूं 15A, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, मैं चाहूंगा लिख लो वहां पे, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स। A for accounts, books and reports. लिख लिया सबने, हाँ ना। So आपका सबसे पहला पेनल्टी हुआ, that is 15A। एक बार फिर से बोलो, क्या है? A for accounts, books and reports। अगर आप ये फाइल नहीं करते तो जाके आपको पेनल्टी है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जाते हैं अब हम दूसरे पेनल्टी की तरफ। सेक्शन नंबर है 15B। मैं चाहूंगा कि ये लाइन को साथ साथ में पढ़ना। रेडी? चलो 1, 2, 3 बोलो, क्या है? फेल्यूर बाय इंटरमीजरी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज क्लाइंट। नाउ फेल्यूर बाय किसने बोले, एक बाजू से इंटरमीजरी, व्हाट डू मीन बाय इंटरमीजरी? ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स, हाँ ना। एंड फेल्यूर बाय इंटरमीजरी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज क्लाइंट, मतलब उसने उसके क्लाइंट के साथ में एग्रीमेंट करना चाहिए। अब देखो ये पेनल्टी को ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है? मैं चाहूंगा कि पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना और कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो, ठीक है? लेट्स गो। नाउ इंटरमीजरी, ये वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है ब्रोकर्स, ब्रोकर्स या कौन बोले बाजू से, सब ब्रोकर्स। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे, लेट्स गो। अभी अगर मैं ट्रेड करता हूं ना, आज के दिन में जब ट्रेडिंग करता हूं, तो एज गुड एज मेरा स्टॉक ब्रोकर है HDFC सिक्योरिटीज। HDFC क्या बोले बाजू से, सिक्योरिटीज, ठीक है? HDFC सिक्योरिटीज के पहले मैं ट्रेड करता था थ्रू वन मोर ब्रोकर, दैट इज श्रीराम इनसाइट। श्रीराम सुना है? श्रीराम फाइनेंस सुना है? श्रीराम फाइनेंस का ही एक ब्रांच है, सिस्टर कंसर्न श्रीराम इनसाइट, जो स्टॉक ब्रोकर है। मैंने श्रीराम फाइनेंस या श्रीराम इनसाइट का ब्रोकरशिप लिया था बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए एकदम स्टार्टिंग में। अब जिस दिन मुझे ये ट्रेडिंग शुरू करना था, मैं जस्ट CA बना था, ताजा ताजा, फुल कॉन्फिडेंस में था, बोला कि नहीं मेरे को स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, अपने को डीमैट अकाउंट चाहिए और अपन ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। एकदम हवा में अपन पहली FM जस्ट पास किया था सब, एकदम बोला अभी अभी पढ़ा है, अभी तो सब अप्लाई करना है डायरेक्टली, ठीक है? सो मैं स्ट्रेट अवे उठ के गया मेरे दोस्त के साथ श्रीराम इनसाइट में। मेरा दोस्त ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने श्रीराम इनसाइट वाले को बोला एकदम बाकायदा ऐसा चेकबुक वगैरह रख के, जॉब की पहली दूसरी सैलरी मिली होंगी शायद, आई डोंट नो, तो चेकबुक रखा वाला इन्वेस्ट करना है भैया, फॉर्म दो। वो बंदा अंदर गया और उसने आके मेरे सामने एक 150 पेजेस का बुक पटका। कितने पेजेस का? 150 पेजेस। और 150 पेजेस का बुक पटकने के बाद में उसने नियरली हर दूसरे पेज पे मेरी साइन ली होगी। मतलब इतनी साइन अगर मैं CA बनने के बाद ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर करता था, तो आज तक कि मैं करोड़पति होता था।
लेकिन ये सब साइन मैंने फ्री में की और वो भी मेरे पैसे लगा के। मतलब सोचो, अब मेरे पैसे लगा के मैंने साइन की 150 पेजेस पे, एक्चुअली था क्या, तो मैंने ना बड़ा पढ़ने की इच्छा रखी इसको। अब वैसे ही अपने को एनालिटिकल चीजों में बड़ा इंटरेस्ट, मैं बोला आगे जाके टीचिंग वगैरह करना है, बच्चों को पढ़ाने के काम में आएगा, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले पेज से लेके पांचवें पेज तक मैंने फुल कॉन्फिडेंस में पढ़ा, एकदम फुल कॉन्फिडेंस। और फिर पांचवें पेज से लेके 150वें पेज तक के मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में उसको देख के छोड़ दिया, ठीक है। मतलब पांचवें पेज तक के मेरा हिम्मत टिका, उसके बाद में मैंने बोला अब इसको पढ़ते रहेंगे तो हो गया काम। मैंने स्ट्रेट अवे उसको बोला बता कहां कहां पे कोमड़ा लगाना है, कोमड़ा मतलब साइन सिग्नेचर इनिशियल्स कहां लगाने, और ऐसे उसने पूरे 150 पेजेस के ऊपर मेरा सिग्नेचर करवा लिया। साइन करते करते हाथ दुख गया लेकिन उसने बंद नहीं किया। अब ये एक्चुअली 150 पेजेस थे क्या? अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये 150 पेजेस एक्चुअली है कैपिटल मार्केट में घुसने के लिए, कैपिटल मार्केट में घुसने के लिए सभी वार्निंग्स। हर एक पेज के ऊपर नियरली आपके रिस्क कंसर्न कि आप कौन से मार्केट में घुस रहे हो, यह कितना खतरनाक है, आपकी किस तरीके से वाट लग सकती है, आपके साथ क्या हो सकता है, यह सब चीजें उन्होंने लिखी थी नियरली 150 पेजेस में। और हर पेज पे वो स्टॉक ब्रोकर मेरी सिग्नेचर इसलिए ले रहा था बिकॉज वो ये बताना चाह रहा था इन्वेस्टर को कि आप अवेयर हो जाओ कि आप कौन से बिहड़ में जा रहे हो, आप कौन से एरिया में जा रहे हो, आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ही वॉज मेकिंग मी अवेयर अबाउट ऑल द रिस्क ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड आई वॉज जस्ट साइनिंग कि हाँ मैं ये भी रिस्क को अवेयर हूं, वो भी रिस्क को अवेयर हूं, ब्ला 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 ब्ला, मैं सभी रिस्क को अवेयर हूं। समझ में आ रहा है? पहले पांच पेज तक इट वॉज लाइक कि मैं सब कुछ पढ़ रहा हूं, एंड आफ्टर फिफ्थ पेज इट वॉज लाइक वो नहीं क्या फेसबुक के ऊपर लॉग ऑन करते वक्त आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े बुम, है ना, वैसा वाला सिचुएशन हो गया। तो सिंपली इट मींस दैट ब्रोकर मेकिंग मी अवेयर अबाउट द रिस्क ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब सवाल उठता है ब्रोकर ही क्यों? देखो, जैसे कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज का अगर कोई एजेंट होता है ब्रोकर होता है, और ब्रोकर्स और सब ब्रोकर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इन्वेस्टर के ऊपर। नाउ आप देखो, इन्वेस्टर तो कोई भी बन सकता है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, एनीवन, ठीक है। डॉक्टर भी आजकल बातें करते, तेरे को पता है वो टीसीएस का शेयर मस्त चल रहा है, मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, डॉक्टर बोलता है ये चीजें, सुनने में अच्छा लगता नहीं है पर सुनना पड़ता है, ठीक है। नाउ ऐसे सिचुएशन में अगर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो आप ये सोचो कि उन सबको सेबी एक्ट पढ़ना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट के कंडीशंस पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और इस रीजन की वजह से जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है तो सेबी ब्रोकर और सब ब्रोकर को बोलता है कि बेटा तेरे सामने जो बंदा आ रहा है वो गधा आ रहा है, उस बंदे को घोड़ा बनाने का काम तेरा है, पूरे रिस्क कंडीशंस तू उसको बता। इसका मतलब मैं नहीं, मैं गधा गया था करके, मैं घोड़ा ही था, मैं घोड़ा भी नहीं था, सॉरी मैं घोड़ा नहीं था, मैं होशियार इंसान था, मैं सीए था, ठीक है, रुको दो मिनट बार। सो मैंने बेसिकली बताया कि एक्चुअली ब्रोकर सब ब्रोकर के ऊपर सेबी ने बर्डन पुट किया है कि बेटा जो सामने बंदा आया है वो नॉट नॉलेजेबल, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, वो एवी इन्वेस्ट करके आया बिकॉज उसको बाकी लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, उसको क्या पता उसकी कैसी वाट लगने वाली है ना, तो उसको बता कि इसके अंदर वाट लग सकती है, और साथ में उससे एक पावर ऑफ अटॉर्नी खुद के नाम पे साइन करवा ले सो दैट वो उसके तू उसके बिहाफ पे उसके डिमैट अकाउंट से ट्रेड कर पाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो बेसिक देखो, बर्डन अगर सेबी इन्वेस्टर के ऊपर पुट करता, इस इन्वेस्टर के ऊपर पुट करता, तो इन्वेस्टर को तो कुछ नहीं पता ना, उसको कुछ ही नहीं मालूम स्टॉक मार्केट के फॉर्म क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डीमैट क्या होता है, कुछ नहीं मालूम उसको, उसको सिंपली ये लग रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन ये सब चीजों के बारे में नॉलेज देने का बर्डन किसके ऊपर पुट किया है? ब्रोकर सब ब्रोकर, क्लियर है। सो सेबी ने इसके ऊपर बर्डन पुट करके ब्रोकर को बोला कि तेरा काम है कि जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा अवेयर कर, अगर तूने अवेयर किया तो ऑब्वियसली वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, साथ में उससे पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए ले ले बिकॉज इसके बाद में तू भी उसके बिहाफ पे ट्रेड करेगा। आज के डेट में नॉर्मली जब मैं टीचिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता हूं, क्लास वगैरह में इन्वॉल्व होता हूं, कोई आईपीओ वगैरह आता है, मैं खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो एचडीएफसी ब्रोकर जो फिलहाल हमारे स्टॉक ब्रोकर है वो मुझे फोन करते हैं, सर अभी बीएससी का आईपीओ आ रहा है, ये बीएससी के आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे क्या? अगर मैं हां बोलता हूं तो मेरे क्रेडेंशियल्स पूछता है, सर तुम्हारी बर्थ डेट क्या है, तुम्हारा पैन नंबर क्या है, तुम्हारा ईमेल अकाउंट क्या है, मैं ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन भेज रहा हूं, उसके ऊपर सिर्फ यस रिप्लाई करके मुझे भेज दो सो दैट मैं आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर पाऊं। तो एक्चुअली आई हैव गिवन अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू माय ब्रोकर दैट ही कैन ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ मी,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? और ये एग्रीमेंट आपका सेबी ब्रोकर को बोलता है कि उसने किसके साथ करना चाहिए, इन्वेस्टर। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना? सो आई कॉल इट एज अ ब्रोकर्स एग्रीमेंट। मैं इसको कौन सा एग्रीमेंट कहता हूं? ब्रोकर्स। मैं ये नहीं कहता ये इन्वेस्टर एग्रीमेंट है। बहुत सारे लोग इसको इन्वेस्टर एग्रीमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं कभी इसको इन्वेस्टर एग्रीमेंट इसलिए नहीं बोलता बिकॉज मुझे पता है कि यह एग्रीमेंट इनिशिएट कौन करता है? ब्रोकर। जोर से बोलो, कौन इनिशिएट करता है? ब्रोकर। इसलिए सेक्शन नंबर 15B इज अबाउट ब्रोकर्स एग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 15B इज अबाउट क्या? ब्रोकर्स एग्रीमेंट। बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट। अगर ऐसा ब्रोकर एग्रीमेंट नहीं करता, पेनल्टी सुन लो, लिखो मत, होल्ड, पेनल्टी सुन लो, हर दिन के लिए 1,00,000 पर डे, और अगर कंटिन्यूअसली करता गया तो मैक्सिमम कितना? 1,00,000। मतलब आपने जितने दिन तक बिना एग्रीमेंट किए इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रेड किया तो आपको इतना पेनल्टी लगेगा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ब्रोकर इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हैं, एवी खुद के अकाउंट में डलवा के वो खुद के अकाउंट से ट्रेड करवाते हैं। समझ में आ रहा है? वो भी चीज गलत है। एक्चुअली गलत है पर वो पकड़ी नहीं जाती, वो बात अलग है, लेकिन वो भी चीज गलत है। ब्रोकर ने एक्चुअली इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। समझ में आया सबको, हाँ ना? तो ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना। सो मुझे एक बार फिर बोलो, बी फॉर क्या है? जोर से बोलो, ब्रोकर्स एग्रीमेंट। एक बार फिर बोलो, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैं चाहूंगा इसको लिख लो, और साथ साथ में अगर आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हालांकि इसमें से कुछ लिखने लायक नहीं है पर आप लिख सकते हो, गो फॉर इट। फर्स्ट ओके, सवाल उठता है सर स्टॉक लीन करने का, लीन मतलब स्टॉक प्लेज करने का कोई अलग से एग्रीमेंट है क्या शेयर्स प्लेज करने का? देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टॉक ब्रोकर को पकड़ रहे हो उसी के पास आप शेयर प्लेज करो, हो सकता है आप शेयर किसी और के पास भी प्लेज करो। तो प्लेज के एग्रीमेंट अलग होते हैं। जैसे मेरे पास HDFC सिक्योरिटीज एज अ ब्रोकर है, मैं चाहूं तो मेरे सिक्योरिटीज को प्लेज करता हूं किसी दूसरे पर्सन के साथ भी। अब देखो, HDFC सिक्योरिटीज और HDFC बैंक दोनों अलग कंसर्न है, ठीक है? मैंने शेयर होल्ड किए हैं HDFC सिक्योरिटी में, फॉर दैट पर्पस HDFC बैंक मुझे लोन देने के लिए रेडी है, तो आप देख सकते हो यही ये दोनों कंसर्न अलग हो गए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी पर्सन के पास प्लेज करो। तो हो सकता है अगर आपका ब्रोकर आपको लीन या प्लेज ऑटोमेटिकली अवेलेबल कर रहा है तो एग्रीमेंट के अंदर वो क्लॉज होगा, लेकिन अगर आप किसी और से प्लेज करवाना चाहते हो तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? बोलो, सभी ब्रोकर के लिए रेगुलेशन सेम रहेंगे, लेकिन प्लेज तो आप किसी के पास भी कर सकते हो ना। प्लेज करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? आपका डीमैट अकाउंट नंबर देना है, साथ साथ में आपका टोटल बैंक अकाउंट नंबर देना है, वो उतने शेयर्स आपके प्लेज करवाएंगे, आप सिर्फ उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा लीन आप किसी के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल वाला। क्लियर है कंसेप्ट? चलो, और कोई दिक्कत किसी को? जैसे यही अगर मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा ब्रोकर है HDFC सिक्योरिटी, नाउ HDFC सिक्योरिटी इज टोटली अलग कंपनी एंड HDFC बैंक इज टोटली अलग कंपनी, मैं HDFC सिक्योरिटीज के शेयर्स ये HDFC बैंक के पास प्लेज कर रहा हूं, तो ये तो डिफरेंट पर्सन ही होंगे ना। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ, तो इसको याद रखना। चलो, सो आ जाओ अंदर, आ जाओ बेटा। बैठ जाओ फर्स्ट। ओके, चलो हो गया सबका, हाँ ना? जोर से बोलो इससे ना। सो एक बार मुझे दोनों सेक्शंस के नाम बोलो वापस से। ए फॉर क्या था? अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स। बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, और दोनों के लिए पेनल्टी कितना है? 1,00,000 पर डे और 1,00,000, विच एवर इज लोअर। क्लियर है? लोअर साइड पेनल्टी है, याद रखना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर तीसरे पे, और मुझे बताओ सेक्शन नंबर 3 का नंबर क्या है? 15C। एक बार जोर से बोलो, क्या है? 15C। नाउ मैं चाहूंगा कि साथ साथ में पढ़ना, बहुत अच्छा केस है, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, तो इसके लिए भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूं, साथ साथ में पढ़ना। रेडी, 1, 2, 3 बोलो, क्या है? फेल्योर टू रिड्रेस द इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस बाय एनी कंपनी और इंटरमीडियरी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन स्पेसिफाइड टाइम। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस? कंप्लेंट्स, हां? मेरे साथ में ये चीज हुई थी, एक बार मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? मैं केस एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, लेट्स गो। ओके, अगर हम अगर अभी हम बात करें तो इन्वेस्टर कंप्लेंट का सिचुएशन हुआ कैसे था? बात है बेटा नियरली 2014 की, जब
बात है नियरली 2014 की, जब मैंने HDFC सिक्योरिटीज में ब्रोकिंग एक्सेप्ट किया था नियरली स्टार्टिंग में ही। इन 2014 मैंने फरवरी 11 या 12 को एक ट्रेड किया था इन SBI के शेयर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द ट्रेड वॉज नियरली फॉर 30,000 रुपीज। मैंने SBI के शेयर परचेस किए थे तो उसके लिए मेरे 30,000 रुपीज लग गए थे। नाउ आप अगर देखो तो स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर आप कभी भी परचेस करो, नॉर्मली इट टेक्स T+2 डेज। कितने दिन लेता है बोले बात, उसे T+2। नाउ व्हाट डू मीन बाय T+2? मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया वहां से लेकर 2 दिन में आपका ट्रांजेक्शन सेट ऑफ हो जाएगा। और मैंने ट्रांजेक्शन किया था 12 तारीख को और नियरली 14 तारीख को मेरे अकाउंट से 30,000 रुपीज कट गए। ठीक है, 14 तारीख के एंड एक्चुअली देखा जाए तो काटे और ब्रोकर आपको 12 तारीख को ही काट डालेगा। ठीक है, देते वक्त वो T+2 डेज का यूज करता है लेकिन काटते वक्त 12 तारीख को ही वो काट देगा, सभी के सभी आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब के सब। लेट्स गो। नाउ अगर अभी हम कंसिडर करें तो 30,000 आपका 14 फरवरी के आसपास नियरली कटा होगा। ठीक है, लेट्स गो वैलेंटाइन डे को। ठीक है, लेट्स गो नाउ। हाँ, बड़ी होती है कुछ लोगों को खुशी। ठीक है, लेट्स गो। अब अगर हम आगे बढ़े तो नियरली मैंने मार्च में भी एक ट्रेड किया था और मार्च में मैंने एक ट्रेड किया था अगेन SBI के शेयर्स में और नियरली ट्रेड था 90,000 का। अब 90,000 सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर एक्चुअली ये ट्रेड मेरा था ई मार्जिन ट्रेड। पूछो ई मार्जिन मतलब क्या? अरे पूछो क्या? ई मार्जिन का मतलब होता है कि आप जितने का ट्रेड करते हो उसका सिर्फ 1/3 अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। इसलिए मैंने बोला 90,000 सुनने में अच्छा लगता है पर मेरे अकाउंट से मार्च में नियरली 18 तारीख को सिर्फ 30,000 कटे। सिर्फ कितने कटे? 30,000। अब ई मार्जिन ट्रेड की एक कंडीशन होती है कि आप कभी भी अगर ई मार्जिन ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ई मार्जिन ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ करना होता है 5 दिन के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने समझो SBI के शेयर परचेस किए ई मार्जिन में और मैंने 90,000 के शेयर परचेस किए तो आज काटते वक्त तो मुझसे सिर्फ 30,000 काटेंगे लेकिन 5 दिन के अंदर मुझे शेयर सेल आउट भी करने पड़ते हैं कंपल्सरीली। 5 दिन के अंदर मुझे शेयर क्या करने पड़ेंगे? सेल आउट। सो विद इन द 5 डेज मुझे ये शेयर क्या करने है बोले एक बार उसे सेल। विद इन 5 डेज आई हैव टू सेल द शेयर्स। लेकिन अगर मैंने सेल किया तो सेल करने के बाद जो मेरे 30,000 दाव पे लगे थे जो कटे थे वो 30,000 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो फिर क्या कह सकते हो लॉस, ये मेरे अकाउंट से ऐड हो जाएगा मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। लेकिन अगर मैंने शेयर सेल नहीं किए, इफ आई डोंट सेल द शेयर्स, तो ये जो बचा हुआ 90,000 में से अमाउंट है 30,000 काटने के बाद जो नियरली कितना आता है 60,000, ये 60,000 का अमाउंट 5वें दिन मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएगा। 5वें दिन मेरे अकाउंट से क्या हो जाएगा? माइनस। सो दिस इज हाउ द ई मार्जिन ट्रेड हैपेंस। मतलब एक तो 5 दिन में शेयर ट्रांजेक्शन स्क्वेयर ऑफ करो नहीं तो 5वें दिन के बाद में आपके अकाउंट से अमाउंट क्या हो जाएगा बोले बाद उसे माइनस निल हो जाएगा। क्लियर है आंसर? अब एक्चुअली मेरे ब्रोकर ने क्या किया, मैंने एक्चुअली ट्रांजेक्शन को सेल नहीं किया था, मतलब मैंने शेयर को सेल नहीं किया तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। लेकिन मैंने ट्रांजेक्शन में शेयर को 5 दिन में सेल नहीं किया इसलिए ये जो 60,000 रुपीज है ये 60,000 रुपीज को उसने काटना चाहिए था पर उसने की गलती। उसने 60,000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक उसने 30,000 रुपीज काटे पहले और 30,000 रुपीज उसने पेंडिंग रखे। उसने 30,000 पहले काटे और 30,000 क्या रखे बोले बाद उसे पेंडिंग। अब आप देखो कटने चाहिए थे 90,000 में से 30,000 18 तारीख को ही कट गए, नियरली 23 तारीख तक के और कितने काटे उसने बोले एक बार 30,000 और पेंडिंग कितने रखे बोले एक बार उसे 30,000। अभी उसने क्यों पेंडिंग रखे उसी को मालूम। नॉर्मली उनको एक्चुअली ये नोटेशन होता है कि उन्होंने 5 दिन में ट्रांजेक्शन स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए लेकिन उसने नहीं किया। अब ये 30,000 पेंडिंग थे, मैंने देखा मैं भूल भी गया कि ऐसा कोई 30,000 पेंडिंग था। नियरली मैंने एक जून में ट्रेड किया था, जून में एक नॉर्मल ट्रेड किया था सिर्फ 11 तारीख को, वो भी ट्रेड उसी दिन स्क्वेयर ऑफ हुआ और जून के ही 20 तारीख को बिना कुछ किए मेरे अकाउंट से एकदम से नोटिस आया कि सर आपके अकाउंट से 30,000 काट दिए गए हैं। जून में आपके अकाउंट से कितने थाउजेंड काट दिए? 30,000। मतलब ये जो 30,000 बचे हुए थे वो उसने जून में मेरे अकाउंट से काटे।
अब आप एक्चुअली देखो तो पूरा का पूरा जो झोल है वो सिमिलर अमाउंट दिखने के वजह से है। पहला एसबीआई का ट्रेड मैंने किया था मार्च में जिसमें 30,000 कटे, फिर बाद में मैंने 90,000 का नीचे ट्रेड किया था। देखो 30,000 का पहला जो ट्रेड किया मार्च में जिसमें 30,000 कटे, फिर 90,000 के ट्रेड में से 30,000 उसी दिन कटे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप नीचे देखो तो अगले 60,000 में से 30,000 पहले कटे और बचे हुए 30,000 उन्होंने कब काटे बोले बाजू से, जून में। जोर से बोलो कब काटे, जून में। नाउ अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। जब यह 30,000 कटे तो मैंने उनको एक मस्त मेल लिखा, ईमेल मैंने लिखा कि मैंने जून महीने के अंदर कोई भी मैक्सिमम ट्रेड नहीं किया है, 11 जून का ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो चुका है, मैंने कोई भी ट्रेड आपके जून महीने के अंदर नहीं किया, ये 30,000 किस बात के लिए कटे हैं मुझे बताओ। मैंने पहला मेल डाला, फर्स्ट मेल डालने के बाद उनका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, दे डिडंट रिप्लाई मी। नॉर्मली मुझे रिप्लाई नहीं आया, मैं थोड़ा टेंशन में आया, मुझे लगा कि अमाउंट गलती से काट दी होगी, तो इसलिए मैंने उनको सेकंड मेल लिखा, बोला गिव मी अ रिप्लाई अदरवाइज रिफंड माय अमाउंट। तो उसके ऊपर उनका रिप्लाई आया कि सर आपके जो 30,000 कटे हैं वो मार्च जो आपने फरवरी में ट्रेड किया था उस फरवरी के ट्रेड के लिए कटे हैं। अब मैंने फरवरी के पूरे अकाउंट्स निकाले, मुझे दिखा कि फरवरी में जो मैंने ट्रेड किया था 12 फरवरी को उसके बदले में 14 फरवरी का अमाउंट कट चुका है, तो मैंने उनको बोला कि यार 14 फरवरी को मेरे अकाउंट से तो पैसे कट चुके हैं, आप कौन से फरवरी के ट्रेड की बात कर रहे हो। फिर वो जंबल हो गया, अगेन एक दो दिन तक कोई मेल नहीं आया। दूसरे दिन बाद उन्होंने बोला सर वी आर सर्चिंग फॉर द सेम। फिर मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल लगाया, मैं बोला यार मेरे अमाउंट पैसे कटे हैं 30,000 बिना रीजन के पैसे काटे गए, प्लीज मुझे एक्सप्लेनेशन दो। और दो तीन दिन तक के कोई मेल नहीं, कोई मतलब नियरली एक डेढ़ महीना उन्होंने मेरे को ऐसे ही झुलाया, ठीक है, एक मेल नहीं ना दो तीन हफ्ते कोई मेल नहीं ना कोई फोन नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि उन्होंने पैसे क्यों काटे। अब मैंने एक हफ्ता उनको प्रक्षोभक मेल लिखे कि दिस इज नॉट राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मतलब बहुत तमाशे किए मैंने उनके साथ में, बट फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। एंड में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ता। सो एंड में मैंने एक मस्त मेल लिखा, अच्छा वाला मैंने लिखा, आई एम सी ए दर्शन खरे, ब्रैकेट में सी ए सी एस बिकॉम, आई एम डीमैट अकाउंट होल्डर इन योर एच डी एफ सी सिक्योरिटीज 2050259, I have requested you many of the times to give me a declaration about the amount deducted that is 30,000 on the occasion of the 20th June from my account. Please provide me the details of the same. Otherwise, you will be liable to a penalty of section number 15C, 1 lakh per day or 1 crore, whichever is lower. एकदम स्ट्रेट मेल, स्ट्रेट बाकायदा ड्राफ्ट करके कि 1 लाख पर डे और 1 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर ये पेनल्टी तुमको लग जाएगा। साथ में सेबी के साइट के ऊपर जाके पिनलाइजेशन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया और उसको अटैचमेंट में भेज दिया। दो घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, दो घंटे के अंदर मेरे को फोन आया, सर वी आर सर्चिंग फॉर योर क्वेरी, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, ऐसा सिचुएशन हमारे यहां पे इसके पहले नहीं हुआ है, हम आपको अगले 15-20 मिनट के अंदर इसका आंसर देते हैं कि यह क्या हुआ है। मैं घड़ी लिया, टेबल पे रखा, बोला 15-20 मिनट बोले इज्जत से, टेबल पे रखा, देखना शुरू किया। 10 मिनट के अंदर दूसरा फोन आया, सर वी हैव सॉट योर क्वेरी, इट इज द अमाउंट 30,000 विच हैज बीन डिडक्टेड विच वॉज अ पेंडिंग डेबिट बैलेंस इन योर अकाउंट, यू हैव इनिशिएटेड द ट्रेड ऑफ 90,000 ऑफ ई मार्जिन आउट ऑफ विच ओनली 60,000 हैज बीन डिडक्टेड, 30,000 इज बीन पेंडिंग, द अमाउंट हैज बीन राइटफुली डिडक्टेड, द ओनली प्रॉब्लम वी हैव गॉन थ्रू दैट वी हैव नॉट रिप्लाइड यू विद द सेम। मैंने मेल पढ़ा, थोड़े मार्च वार्च के अकाउंट्स निकाले, मुझे पता चल गया कि हाँ ये 90,000 का ट्रेड मैंने किया था उसमें से 30,000 डेबिट बैलेंस था। मैं बोला यार शिट, ठीक है, पर 15C मैंने यूज कर लिया, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। अब अगर वो मुझे उस दिन नहीं रिप्लाई करते थे तो मेरे पास मस्त ऑप्शन था, जो अटैचमेंट वाला फॉर्म मैंने डाउनलोड किया था, वैसे भी डाउनलोड किया था, जो मैंने उनको भेजा उसको मस्त फिलअप करता था और सेबी के साइट के ऊपर अपलोड कर देता था ये पूरे का पूरा जो मेल मैंने क्रिएट किया था उसके चेन के साथ, फिर सेबी और एचडीएफसी सिक्योरिटीज 1 lakh पर डे और 1 crore विच एवर इज लोअर। 30 दिन तो उन्होंने निकाल लिए थे, 30 दिन तो उन्होंने निकाल लिए थे, तो 30 लाख तो उनके पक गए थे, 30 लाख की पावती तो फटने वाली थी, और फिर देखते थे जैसे सेबी उनको हैंडल करता था। अब बेसिकली सेबी इन मामले में बड़ा सजग है, अगर इन्वेस्टर ने कोई कंप्लेंट पुट की है तो सेबी बहुत इनिशिएटिवली उस कंप्लेंट को हैंडल करता है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना।
और ये सेबी का जो सजगनेस है इसकी वजह से इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि वो नॉर्मली सेबी के साइट के ऊपर क्वेरी पुट कर सकता है। लेकिन देखो आप जब भी ऐसा कोई क्वेरी पुट करो तो इससे प्रॉब्लम भी ये हो सकता है, अगर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के ऊपर 30 लाख का पेनल्टी लगता था तो कम से कम एक या दो बंदे का जॉब तो जाता था पक्का। तो मेहरा जो पर्सनल असिस्टेंट था सिक्योरिटीज मार्केट का, जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने मुझे दिया था पब्लिक रिलेशन मैनेजर, वो सबसे पहले निकलता था। उसके बाद में जो लेडी थी जिसने मेरे साथ फोन के ऊपर बात की वो भी निकल लेती थी। कह रहे तो 30 लाख की पेनल्टी तो एवे ही वसूल नहीं कर सकते, एचडीएफसी को भी कुछ ना कुछ तो देखना। ये पेनल्टी पिनलाइजेशन वाली है लेकिन यूज सिर्फ उन्हीं केसेस में करना जब आपको सबसे बड़ा टॉर्चर हुआ है। क्लियर है कांसेप्ट? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अगर मैं चाहता तो इनिशिएट करता था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिले इन द रिप्लाई मैं पेनल्टी लगा सकता था, लेकिन ठीक है लगा के क्या फायदा जब गलती अपनी खुद की है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ट्रेड तो मैंने ही किया था वो तो एक्सेप्टेड है। हाँ, अगर ट्रेड मैंने नहीं किया रहता 30,000 मेरे को वापस से अगर काटे गए रहते गलत तरीके से और फिर भी वो रिप्लाई नहीं दे रहे तो बात गलत है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इनिशिएट कर सकता था। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो दिस इज हाउ योर पेनल्टी ऑफ 15C गोज, दैट इज कंप्लेंस बाय इन्वेस्टर, सी फॉर कंप्लेंस बाय इन्वेस्टर। और ये सेबी इमीडिएटली सॉल्व करने पे बिलीव करता है, नहीं तो पेनल्टी लगती है 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। मैं चाहूंगा लिख लो सी फॉर कंप्लेंस बाय इन्वेस्टर, सी फॉर कंप्लेंस बाय इन्वेस्टर। नॉर्मली देखो सवाल है 1 लाख पर डे कब से शुरू होगा, ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली आपने मेल के थ्रू जिस दिन कंप्लेंट पुट किया एटलीस्ट आपको ऑटो रिवर्टेड मेल तो भी आना चाहिए कि हम आपके क्वेरी के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड नियरली विद इन 48 आवर्स आपने उस कंप्लेंट को रिजोल्व करना चाहिए। अगर 48 आवर्स में कंप्लेंट रिजोल्व नहीं होता है तो 2 दिन के बाद में आपका मीटर शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब कुछ कुछ केसेस में कंप्लेंट कौन से टाइप की है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपके आईपीओ एप्लीकेशन की कंप्लेंट है तो नियरली इट टुक 30 डेज, तो आपका पेनल्टी या मीटर शुरू हो जाएगा आफ्टर 30 डेज। तो आपको देखना है ड्यूरेशन ऑफ सॉल्विंग कंप्लेंट कितना है, और ये बड़ा सब्जेक्टिव है। मैं चाहूंगा इसके लिए आप यहां पर चाहिए तो नोट लिख के रखो, लिखना द ड्यूरेशन ऑफ सॉल्विंग कंप्लेंट, द ड्यूरेशन ऑफ सॉल्विंग कंप्लेंट, the duration of solving complaint is different for different complaints, duration of solving complaint is different for different complaints, full stop. So penalty will be levied after such a duration. Full stop. लिख लिया सबने? हाँ ना। एक बार मुझे सभी पेनल्टीज बोलो। A for accounts, books and reports. B for ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर। अब उसके बाद में हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, अगला सेक्शन है 15D। अब 15D समझने के पहले मुझे कुछ सवालों के आंसर देना। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सुना है? होल्ड। हाँ, मुझे एक बात बताओ, कभी आपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में सुना है? अरे बोलो, हाँ है ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कभी म्यूचुअल फंड सुना है? म्यूचुअल फंड, बस यही होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, ध्यान देना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पहले इसको समझो तो जाके पेनल्टी को समझोगे अच्छे से। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सबको हाँ, आप समझे नहीं। कलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि आप पब्लिक से उनका पैसा कलेक्ट करो। क्या करो बोले एक बार उसे? कलेक्ट। कलेक्ट करो मतलब एक्यूमुलेट करो, ठीक है, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट भी करो।
किसी स्पेसिफिक स्कीम में, किसी स्पेसिफिक स्कीम में, जैसे स्कीम हो सकती है इक्विटी की, स्कीम हो सकती है इक्विटी शेयर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज की, स्कीम हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की शेयर्स की, स्कीम हो सकती है डिबेंचर्स की, स्कीम होती है डिपॉजिट्स की. सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब पब्लिक का पैसा एक्यूमुलेट करके, कलेक्ट करके, उसको ऑल टुगेदर जमा करके आपने डालना है, इन्वेस्ट करना है किसी स्कीम में, और वो स्कीम से आपने क्या कमाने हैं, रिटर्न्स. वो रिटर्न्स में से आपने खुद का कमीशन काटना है और बचे हुए रिटर्न्स आपने उसी पब्लिक को वापस करने हैं जिसने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था. नाउ दिस इज अ मीनिंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. कलेक्ट करके इन्वेस्ट करो किसी भी स्कीम में. नाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एक्सिस इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड, एक्सिस इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको पता होगा तो आज के डेट में टॉप परफॉर्मिंग है, और वो भी ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, तो ये टैक्स फ्री भी है और टैक्स में इसका बेसिक डिडक्शन भी मिलता है. समझ में आ रहा है? सो ये टैक्स फ्री भी है. तो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सिंपली आपका पूरा पैसा, मतलब पब्लिक खुद का पूरा पैसा ये दे रहा है म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड या पैसे को कलेक्ट करके एक टीम के पास सौंपता है, जो टीम को कहा जाता है असेट मैनेजमेंट कंपनी. मतलब म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा लेगा और यह पैसा वो दे देगा असेट मैनेजमेंट कंपनी का. नाउ असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब क्या? ये स्टॉक मार्केट के वो धुरंधर होते हैं, वो भेड़िए होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट का इन और आउट सब कुछ मालूम होता है. तो इनको पता होता है कि कौन से जगह पे इन्वेस्ट करके कैसे रिटर्न मिलेंगे. तो असेट मैनेजमेंट कंपनी अल्टीमेटली इस पैसे को किसी स्पेसिफिक स्कीम में लगाती है. मतलब वो खुद का एक पोर्टफोलियो बनाएगी, वो पोर्टफोलियो को स्कीम कहा जाएगा, और वो पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्टमेंट करेगा. जैसे ही इसमें से कोई रिटर्न मैच्योर होता है तो असेट मैनेजमेंट कंपनी खुद का फीस चार्ज करेगा, बचा हुआ पैसा ट्रांसफर किया जाएगा म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड खुद का कमीशन परसेंटेज चार्ज करेगा, और बचा हुआ पैसा आपके पब्लिक को वापस कर दिया जाएगा. मतलब जो भी रिटर्न है वो पब्लिक को वापस दे दिया जाएगा. दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स. तो अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो तो पहला पर्सन होता है म्यूचुअल फंड और दूसरा पर्सन होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी. ये चीज को आप सबसे पहले समझो. मतलब पब्लिक से पैसा एक्यूमुलेट करके आपने पहले म्यूचुअल फंड में डाला, और म्यूचुअल फंड में डालने के बाद में आपने पैसा किसके पास दिया? असेट मैनेजमेंट कंपनी. असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब एक्सपर्ट लोग जिन्होंने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, खुद ने पूरे रिटर्न्स कमाए, खुद का फीस रखा, पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने कमीशन रखा और पैसा वापस किसको कर दिया? पब्लिक को. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. दुनिया में बड़े बड़े असेट मैनेजमेंट कंपनी और मैक्सिमम असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो लीडर्स है, पोर्टफोलियो लीडर्स, वो बहुत रिच इंसान होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे वो फीस चार्ज करते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. जोर से बोले एक बार सर. नाउ मैंने डिसाइड किया कि यार मैं CA किया है, मैंने CS किया है, हाँ मैंने BCom भी किया है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का म्यूचुअल फंड शुरू करूंगा, और मैंने म्यूचुअल फंड का नाम रखा दर्शन म्यूचुअल फंड. अब मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया दर्शन म्यूचुअल फंड, मेरा मैक्सिमम पब्लिक रिलेशन तो स्टूडेंट्स के साथ ही है. सो मैं कल समझो आपके क्लास में आया और मैंने आपके क्लास में आके बोला कि मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया है दर्शन म्यूचुअल फंड, मुझे आप सबसे 1-1 करोड़ रुपए लगेगा. आप सबसे कितना करोड़ लगेगा? 1-1 करोड़. उससे नीचे मैं लूंगा नहीं, उससे ज्यादा दोगे तो रख लूंगा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. तो मैं आप सबसे 1-1 करोड़ रुपए मेरे म्यूचुअल फंड के लिए मांग रहा हूं, क्या आप दोगे? जोर से बोलो दोगे. लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, उसके पीछे का रीजन सुनो. जैसे ही मैंने आपको बोला ला 1 करोड़ निकाल, आप बोलते हो सर रुको. मतलब क्या हुआ? सर हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप बोल रहे हो आपने म्यूचुअल फंड शुरू किया, लेकिन आपके सर पास कुछ रजिस्ट्रेशन का पावती फावती है, कुछ म्यूचुअल फंड रजिस्टर वगैरह किया उसका पावती है? मैं बोला मैंने तुमको म्यूचुअल फंड सिखाया, मैंने तुमको इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सिखाया, और तुम मुझे को पावती पूछ रहे हो? आप बोले सर जो सिखाया उसके लिए फीस दे दी वो अलग, उसका मैटर अलग है, ये बिजनेस की बात बिजनेस पे करो. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. वो फीस वीज अलग, वो गया तेल लेने, आप ये ले रहे हो 1 करोड़, इसका क्या करना? मतलब सबसे पहले आपने मेरे को पूछा सर रजिस्ट्रेशन लाओ. मैं बोला ठीक है यार, ये सवाल कर रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं. मैं गया सेबी में, भागते भागते सेक्शन नंबर 12 के अंदर मैंने खुद का म्यूचुअल फंड रजिस्टर किया. मैं रजिस्ट्रेशन की पावती लेके आया, आपके सामने रखा, मैंने आपको बोला ये देखो अब तो 1 करोड़ दो. आप बोले सर ये पावती तो ला ली, लेकिन इसके पीछे सर बोले कुछ कंडीशन लिखे हैं कंप्लायंस के, कि आपका एक ऑफिस होना चाहिए
ऑफिस में एक एएमसी वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, एक एएमसी के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप कितना कमीशन चार्ज करोगे, एएमसी कितना फीस चार्ज करेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने हैं, कितने दिन तक के लॉक इन पीरियड है, सर ये कुछ आपने कंप्लाई किया? मैंने बोला मैंने आपको म्यूचुअल फंड पढ़ाया, मैंने आपको एएमसी पढ़ाया, मैंने ये सब कुछ चीजें आपको बताई, आप मुझे से पूछ रहे हो? आप बोले सर उसके लिए फीस अलग, ये मैटर अलग है, बिजनेस इज अ बिजनेस, क्लियर है? सो आप मुझे सेकंड चीज पूछ रहे हो कंप्लायंस, क्या पूछ रहे हो? बोले एक बार उसे कंप्लायंस मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे एक और चीज करना जरूरी है, क्या बोले एक बार कंप्लायंस, कंप्लायंस विद द कंडीशंस लेविड बाय सेबी फॉर म्यूचुअल फंड। तो मैंने चलो कंप्लायंस भी किया, एक मस्त ऑफिस लिया, उस ऑफिस के अंदर मस्त डेस्क बेंच डाले, सॉरी डेस्क बेंच नहीं, सॉरी ऑफिस के अंदर टेबल चेयर डाला, और उसके अंदर मैंने बिठाया एक खाले ब्रोकर को, अच्छा वाला एक्सपीरियंस पर्सन, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप किया, और मैंने दूसरे दिन आके बताया ये लो, बोला आप रजिस्ट्रेशन भी हो गया कंप्लायंस भी हो गया, अब तो 1 करोड़ दो। आप बोले चलो ठीक है, चलो आपने मुझे 1 करोड़ की सूटकेस दी, जैसे मेरे को सूटकेस मिली मैं पकड़ के भागने लगा। आप बोले सर रुको, मतलब क्या हुआ? सर 1 करोड़ दिए उसकी तो कोई पावती दो। मैं बोला मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर इसी आंसर दिया आपने नहीं से, बोले समझ में आ रहा है नहीं से। मैं बोला यार मैंने तुमको सब कुछ सिखाया, मैंने तुमको इतना म्यूचुअल फंड वगैरह एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिखाया, मेरे ऊपर भरोसा नहीं। आप बोले सर उसका फीस अलग, ये बिजनेस इज अ बिजनेस। तो फिर आपने तीसरे पॉइंट पे मुझे मांगा पावती, 1 करोड़ इन्वेस्ट करने का पावती, जिसे कहते हैं यूनिट सर्टिफिकेट। जैसे आप शेयर्स लेने के बाद कैसे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? यूनिट सर्टिफिकेट। आपको यूनिट सर्टिफिकेट मैंने निकाला, कोरा कर साइन वाइन करके दे दिया, बोला रखो, और फिर वापस में पलटा निकलने लगा। आप बोले सर रुको, बोला अब क्या हुआ? आप बोले सर अगर मुझे बीच में इस पैसे की जरूरत पड़ी, बीच में अगर मुझे शादी वादी करनी रही, ठीक है, मुझे कोई पसंद आ गया, मेरे को एकदम से शादी करनी है, या मुझे बीच में फॉरेन टूर करना है, तो सर मेरे पास कोई लिक्विडिटी तो होना चाहिए। मैं बोला इसका मतलब सर आप ये सिक्योरिटीज को, ये यूनिट्स को लिस्टिंग वगैरह करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो? अब देखो लिस्टिंग का मतलब मैं ये यूनिट्स को स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करूंगा जो फ्रीली ट्रेडेबल रहेंगे। अब मुझे होता स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करने के बाद कभी भी आप इसको बेच सकते हो और कभी भी इसको खरीद सकते हो, तो लिक्विडिटी काम की चीज है या नहीं है? तो चौथी चीज आपने मुझे पूछी कि इन यूनिट्स का क्या करना चाहिए, बोले एक बार जो से लिस्टिंग, क्या करना चाहिए, बोले एक बार जो से लिस्टिंग। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले यस सर ना। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कंप्लायंस कर लिया, यूनिट सर्टिफिकेट कर लिया, लिस्टिंग कर लिया, और आपसे 1 करोड़ रुपए लेके मैंने उससे मेरे घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदना शुरू किया, मेरे लिए फ्लैट ले लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर वगैरह, मस्त लाइफ सेट, एक बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वगैरह भी ले ली, मस्त एकदम खुशी खुशी में। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो पैसा दिया ये मेरे पर्सनल पर्पज के लिए दिया? आपने मुझे पैसा किस बात के लिए दिया है कि मैं इसको क्या करूं, इन्वेस्ट करूं? आपको पता है आपने दिया हुआ पैसा मुझे इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। अगर गलती से भी मैंने इसको इन्वेस्ट नहीं किया, गलती से भी मैंने इसको इन्वेस्ट किया, बोले एक बार नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे पेनल्टी लग सकती है। क्या लग सकती है? बोले एक बार उसे पेनल्टी। और ये इतना सीवियर है कि अगर मैंने आपको एग्री किया है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में इन्वेस्ट करूंगा और गलती से मैंने सॉफ्टवेयर में भी पैसा डाल दिया, तो भी मुझे पेनल्टी लगती है। मतलब स्कीम वाइज भी आपका पेनल्टी डिवाइड होता है। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट क्या है, बोले एक बार उसे इन्वेस्ट। जोर से बोलो क्या है? इन्वेस्ट। और मुझे एक बात बताओ, हैव यू एवर हर्ड अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन सुना है? कितना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90%। अब समझो जिस दिन मैं आया, मैंने आपको बोला मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मेरा खुद का म्यूचुअल फंड है, आप बोले सर निकलो यहां से, पैसे नहीं है, आगे बढ़ो, और 90% सब्सक्रिप्शन मीटअप ही नहीं हुआ, तो मुझे आपका पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सो सिक्स्थ पॉइंट में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीटअप नहीं हुआ तो मुझे देना पड़ेगा रिफंड। क्या देना पड़ेगा? अरे फेवरेट वर्ड है, जोर से चिल्लाओ, क्या देना पड़ेगा? समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर अच्छे से वर्किंग करना है तो ये 6 पॉइंट बहुत जरूरी है। कितने पॉइंट से बोले बाजू से? 6। सबसे पहला जोर से बोलो कौन सा है? रजिस्ट्रेशन। दूसरा कंप्लायंस। तीसरा यूनिट सर्टिफिकेट। चौथा लिस्टिंग। पांचवा इन्वेस्ट। छठवा रिफंड। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना। ये है सेक्शन नंबर 15D एंड D फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और उसके अंदर ये 6 वर्ड आपको दिखेंगे 6 पॉइंट में। पहला कौन सा? रजिस्ट्रेशन। जोर से बोलो। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा यूनिट सर्टिफिकेट, चौथा लिस्टिंग, पांचवा इन्वेस्ट, छठवा रिफंड। 15D फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड। लिख के रखो और 6 के 6 वर्ड्स को मार्क भी करके रखो, आपके बुक में है। गो फॉर इट।
ओके, मिल गए छह के से पॉइंट्स. बोलो हाँ है ना. अरे मिले नहीं मिले. लेट्स गो. एक बार मुझे सभी सेक्शंस बोलो. मार्क कर लिया सबने? हो गया पक्का? करो फास्ट. क्या कर रहे हो? पॉइंट्स लिखे हैं उसमें, वर्ड को सर्कल करना है सिर्फ. आपको लिखने नहीं है ये पॉइंट्स. आपके इसमें छह पॉइंट है, उसमें से वर्ड्स को सर्कल करना है. हर एक पॉइंट में एक एक वर्ड है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. एक मिनट. ओके, हो गया सबका. चलो मुझे एक बार स्टार्टिंग से सब कुछ बोलो. सबसे पहला ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड. मुझे एक बार बताओ सबके लिए पेनल्टी कितना है? 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर. और म्यूचुअल फंड के केस में तो ये बहुत खराब हो जाएगा. इट विल बी 6 ऑफेंसेस. सो 6 लाख पर डे और 6 करोड़, विच एवर इज लोअर. ये 6 के 6 पॉइंट कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर आपको लग सकता है. मतलब कोई भी पॉइंट कॉन्ट्रावेंशन किया तो 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर है. तो साइड में चाहिए तो नोट डालो. फॉर ईच पॉइंट 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर. सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए. फॉर ईच पॉइंट 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर. हां बोलिए, क्या क्वेरी था? बेसिक ब्रोकर हाउस नहीं रहेगा, बट फिर भी उसे इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रोकर टाइप्स का ही मिलता है. क्लियर है? सी, बाइंग सेलिंग लिमिट के वजह से हम सेक्शन की अप्लीकेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते. सेक्शन तो ऐसे ही अप्लाई होगा, बाइंग की सेलिंग की लिमिट लगाओ या मत लगाओ. क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से. सो यहां पे आपके पहले 4 सेक्शंस कंप्लीट हुए हैं. एक बार फिर बोलो. ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड. अब मुझे बताओ म्यूचुअल फंड को आपने कंडीशन लगा दिया, तो ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था एएमसी, इसको भी कुछ कंडीशन लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? तो मैं चाहूंगा जरा अगला सेक्शन साथ साथ में पढ़ना. ठीक है, एएमसी वाला. ठीक है, मेरे साथ साथ में सब जन पढ़ेंगे. सेक्शन नंबर 15E, रेडी? 1, 2, 3, बोलो क्या है? वेयर एनी असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रेगुलेशन प्रोवाइडिंग फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी. मतलब आपके असेट मैनेजमेंट कंपनी को कोई भी अगर अप्लीकेबिलिटी सेबी ने कंडीशन वाइज बोली है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपने उसको कंप्लाई नहीं किया है तो फिर भी आपको सेम पेनल्टी लगेगी, 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर. अब सिर्फ असेट मैनेजमेंट कंपनी के रेगुलेशन सेबी खुद टेलर में ड्राफ्ट करके देता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी को अप्रूवल दे रहा है. अब सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 15E. अब किसके बारे में है? असेट मैनेजमेंट कंपनी. असेट के लिए कोई सिनोनिमस वर्ड पता है? असेट के लिए सिनोनिमस वर्ड स्टेट. तो यू कैन से स्टेट मैनेजमेंट कंपनी. ई फॉर स्टेट मैनेजमेंट कंपनी. गो फॉर इट, लिख लो. ई फॉर स्टेट मैनेजमेंट कंपनी. यही चीजें याद आती है एग्जाम में. ई फॉर स्टेट मैनेजमेंट कंपनी. डन एवरीवन. चलो अगले सेक्शन की तरफ जाऊं. बोलो हाँ है ना. लेट्स गो. अब अगला सेक्शन लेने के पहले थोड़ा सा मैं अगले सेक्शन का एक्सप्लेनेशन पहले से ही दे दूं. ठीक है, लेट्स गो. पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, तभी जाके समझ आएगा. ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे, वरना समझना मुश्किल है. ठीक है, लेट्स गो. नाउ सबसे पहले मुझे सभी सेक्शन बोलो. ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड. दर्शन म्यूचुअल फंड में कितने पॉइंट्स हैं? 6. पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा यूरिन सर्टिफिकेट, चौथा लिस्टिंग, पांचवा इन्वेस्ट, छठवा रिफंड. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ई फॉर क्या था? एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी. और इन सब के लिए कौन सा पेनल्टी है? 1 लाख पर और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर. समझ में आया सबको? हाँ ना. जोर से बोलो इस न. जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ. अगला सेक्शन है 15
एफ, कौन सा सेक्शन है जोर से बोलो कौन सा है, 15F। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे, पहले तो मैं सेक्शन को समझा दूं। सेक्शन नंबर 15F इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स पर डिवाइडेड है, तीन। 15F का सबसे पहला पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट नोट, दूसरा पार्ट है डिलीवरी और पेमेंट, और तीसरा पार्ट है एक्सेस ब्रोकरेज। सो तीन पार्ट मैंने 15F के किए, एक बार सभी बोलेंगे, सबसे पहला कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट नोट, दूसरा डिलीवरी एंड पेमेंट, और तीसरा एक्सेस ब्रोकरेज। अब देखो मैं इसको समझाता हूं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले पोर्शन को लेता हूं जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये समझो। नॉर्मली जब कभी भी मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड करता हूं, तो ट्रेड करने के बाद मुझे बहुत सारी ईमेल आते हैं। एक भी ट्रेड किया, एक भी शेयर का, तो भी इतने ही ईमेल आएंगे, और 100 शेयर का किया तो भी इतने आएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला ईमेल आता है मुझे HDFC सिक्योरिटीज के तरफ से कि आपके ट्रेड का कंफर्मेशन हो चुका है। आपका ट्रेड क्या हो चुका है, कंफर्म। हमने आपका ट्रेड कंफर्म किया है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये उसका पावती कि ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है सिर्फ इसका। दूसरा मेल आता है मुझे एक तो BSE के तरफ से या NSE के तरफ से, स्टॉक एक्सचेंज के तरफ से, कि आपने हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर खरीदे या बेचे हैं, ये उसका वाला रिसीट। तीसरा मेल मुझे आता है NSDL से या CDSL से, क्योंकि मुझे जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड किया है वो तो NSDL CDSL का ही है। वो मुझे इसलिए मेल भेजते हैं कि तुम्हारे डीमैट अकाउंट से इतने शेयर माइनस हो चुके हैं या इतने शेयर प्लस हो चुके हैं। चौथा मेल मुझे आता है HDFC बैंक से कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे कट चुके हैं। समझ में आ रहा है? और इसके एडिशन में मुझे एक और मेल रिसीव होता है अगेन HDFC सिक्योरिटीज से। अगेन देखो, पहला मेल भी HDFC सिक्योरिटी का था ट्रेड कंफर्मेशन का, ये दूसरा मेल भेज रहा है HDFC सिक्योरिटीज, और HDFC सिक्योरिटीज ये मेल में डे के एंड में भेजता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट के वाले बाद उसे नोट, इट इज अटमोस्ट एविडेंस कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा किया है। ये सबसे बड़ा एविडेंस होता है कि जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अगर मुझे डिटेल जानने हैं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट नोट? नॉर्मली देखो, आप बाजार जाके जब भी कोई गुड्स परचेस करते हो तो आपको कैसा बिल मिलता है, सर्विस टैक्स इनवॉइस वगैरह, या तो फिर वैट वाला इनवॉइस। उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट देते। नाउ इफ यू सी कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखता कैसे है, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऊपर लिखा होगा HDFC सिक्योरिटीज, नाम ब्रोकर का। नीचे उसके लिखा होगा कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग होता है, BSE, NSE, MCX, etc. फिर उसके नीचे के लाइन में सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल, किसी भी सिटी का अगर नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, तो यह आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर यहीं पर मिल जाएगा। कस्टमर केयर नंबर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद में लिखा होता है मेरा नाम, मेरा मतलब इन्वेस्टर का नाम, क्लियर है? और इन्वेस्टर के नाम के साथ अगर पॉसिबल हो तो नॉर्मली वो पैन नंबर वगैरह लिखते हैं, और साथ में डीमैट अकाउंट नंबर लिखते हैं कि कौन से अकाउंट से ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एग्जीक्यूट किया गया है। और फिर ये लिखने के बाद नीचे आपको बहुत सारे कॉलम्स दिखेंगे ऐसे। अब नियरली नंबर ऑफ कॉलम्स वेराय हो सकते हैं, मैंने एट्रेंडमली निकाले हैं। और कॉलम में नॉर्मली डिटेल क्या होता है वो भी मैं एक बार बोल दूं। सबसे पहले आपको दिखेगा कि सिक्योरिटी कौन सा है, मतलब स्क्रिप्ट कौन सा है। दूसरा कंपनी कौन सा है। अब सिक्योरिटी कौन सा है मतलब इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, आपने फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड किया है तो वो यहां आएगा। दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सा है, जैसे TCS, इंफोसिस, एक्सेट्रा, और कंपनी का कोड रहेगा। क्लियर है सर? तीसरे कॉलम में आपको दिखेगा कि आपने कौन से प्राइस के ऊपर ट्रेड किया, मतलब शेयर का यूनिट प्राइस उस वक्त क्या था। चौथे कॉलम में आपको दिखेगा डेट, वैसे डेट ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी होता है लेकिन ट्रेड डेट भी यहां पे लिखना जरूरी है।
साथ में रहेगा आपका ट्रेड टाइम एंड ट्रेड टाइम इन सेकंड्स, कौन से सेकंड पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, ये तक के वहां लिखा जाता है। उसके बाद में अगर आपको आपको कॉलम दिखेगा तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने परचेस किए, मतलब कितने शेयर्स परचेस किए। फिर आपको दिखेगा उसका ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल में सॉरी, या तो फिर आपको सिर्फ दिखेगा ग्रॉस नहीं, माय मिस्टेक, यहां पे आपको सिर्फ दिखेगा टोटल, और टोटल के ऊपर फिर वो ऐड करते हैं ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, बीएससी एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग चार्जेस, और एंड में आपको फाइनल फिगर दिखेगा नीचे कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है। ये दिखने के बाद उसके नीचे लिखे रहते हैं अगेन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और फिर स्टॉक मार्केट के टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये जो चीजें मैंने आपको बोली ये सबकी सब कॉन्ट्रैक्ट नोट की कम से कम वाली चीज है, मिनिमम इतनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर प्रेजेंट करना जरूरी है। इसमें से एक भी कंडीशन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट से निकाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टर का नाम निकाल दिया, या इतने सारे कॉलम्स जो मैंने बोले इसमें से कोई कॉलम निकाल दिया, या आपने डेट नहीं लिखा, या आपने टाइम नहीं लिखा, या ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स में आप किस किस के लिए ट्रेड करते हो वो नहीं लिखा, एक भी डिटेल आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट का गलत किया, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में कोई भी कमी रखी, कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी कॉन्ट्रावेंशन रखा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेट अवे गंदा वाला पेनल्टी पड़ता है जो है 5 times multiplied by the amount of the contract note जो ग्रॉस टोटल है उसका स्ट्रेट अवे 5 times ये ब्रोकर को, सब ब्रोकर को पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और ये दिखता 5 times है लेकिन एक्चुअली 6 times है, बिकॉज ये जो अमाउंट है, ये जो इन्वेस्ट किया है वो तो इन्वेस्टर को जाएगा ही ना, और उतने शेयर तो इन्वेस्टर को जाएगी, तो एक्चुअली आपको कितना पेनल्टी है 5 times प्लस एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, ये आपका पेनल्टी होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट का। अब एक पेनल्टी सुनने में ठीक लगता है लेकिन समझने के लिए जरा फीलिंग आना चाहिए। इसलिए अगर गलती से आपने 1 lakh की कॉन्ट्रैक्ट नोट गलत कर दी तो आपको स्ट्रेट अवे पेनल्टी कितना लगेगा 5 lakh, आपने 10 lakh की गलत कर दी तो 50 lakh, वही सोचो 10 1 crore की गलत कर दी तो लूट गया, वाट लग गई आपकी, और 100 1 crore की कर दी राकेश झुंझुनवाला वगैरह जैसे लोगों की, तो फिर तो बेच दो कंपनी, निकल लो कहीं पे हिमालय वगैरह, समझ में आया सबको, हाँ ना, जोर से बोले सर ना। सो दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एग्जीक्यूटेड, ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट का पेनल्टी जो 15F का सबसे पहला पार्ट है, 5 times द अमाउंट ऑफ क्या लिखवा जो से कॉन्ट्रैक्ट नोट, क्लियर है आंसर सबको, हाँ ना, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा दैट इज 5 times, समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया पहला वाला पेनल्टी, मैंने आपको कितने टोटल पेनल्टी बोले हैं 3, सबसे पहला कौन सा है जोर से बोलो कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट नोट, दूसरा कौन सा है डिलीवरी और पेमेंट। अब जरा मैं डिलीवरी और पेमेंट को एक्सप्लेन कर दूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट अच्छे से, ठीक है। क्या है ये? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, जो आपके लाइफ में नहीं होते, समझ में आ रहा है सबको, हाँ वही चीज है, ठीक है, लेट्स गो। संडे मंडे होता है क्या आपके लाइफ में? मींस ये फाइनल पे सब एक ही जैसे होता है, एक तो ऑफिस होगा नहीं तो क्लास होगा, दो में से एक ही चीज होगी, ठीक है, लेट्स गो। नाउ समझो आपने कभी कोई ट्रेड मारा स्टॉक मार्केट पे, समझो आपने MRF टायर के 100 share परचेस किए। नाउ MRF टायर का शेयर काफी सस्ता है, 40,000 rupees का एक शेयर है, दैट्स इट, ठीक है। सो सबसे महंगा वाला शेयर वही है, MRF टायर के आपने कितने शेयर परचेस किए 100। अब जिस दिन आप MRF टायर के मंडे को 100 share परचेस करोगे तो इसके लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट गिना जाता है T प्लस कितने दिन, 2 days। तो आपको ये MRF के शेयर का डिलीवरी किस दिन मिलेगा, वेनसडे। डिलीवरी किस दिन मिलेगा, वेनसडे, बिकॉज मंडे को ट्रेड किया, मंडे प्लस 2 days, ट्यूसडे, वेनसडे, 2 days के अंदर सेटल हो जाना चाहिए, तो वेनसडे इवनिंग तक आपको डिलीवरी मिलेगा। हालांकि इसके लिए जो अमाउंट होता है वो नॉर्मली ब्रोकर उसी दिन काट लेता है, या वेनसडे तक के काटा तो भी चल जाएगा। वही अगर आप कभी ट्रेड करो ऑन फ्राइडे, समझो फ्राइडे को आपने एशर मोटर्स के शेयर परचेस किए, एशर मोटर्स पता है ना, बुलेट वाला कंपनी, यस नो, रॉयल एनफील्ड वाला। सो आपने शेयर परचेस किए एशर मोटर्स के, अब ऐसे सिचुएशन में यह ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा सैटरडे संडे छोड़ के, बिकॉज ट्रेडिंग डेज लेने चाहिए, तो आपका डे एग्जीक्यूट होगा मंडे और कौन सा, ट्यूसडे। तो इस शेयर्स की आपको डिलीवरी किस दिन मिलेगी, बोले बाद उसे ट्यूसडे, समझ में आ रहा है। सेम गोज इन केस ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल आपने वेनसडे को ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सेल ऑफ शेयर्स
ऑफ समझो SBI, तो SBI के शेयर सेल, ये आपको पैसा दिया जाएगा फ्राइडे के शाम तक, मतलब सेल शेयर्स किए तो सेटलमेंट होगा फ्राइडे शाम तक। समझ में आया सबको? हाँ ना, ये चीज पता होगी सबको? हाँ ना, अरे बोलो यस सर। ना ये पूरे चीज में, मतलब आइदर डिलीवरी में या फिर पेमेंट में, या फिर काय में बोली बाजू से पेमेंट में, अगर एक दिन का भी डिले होता है, 1 day से इनफाइनाइट डेज का अगर डिले होता है, तो पेनल्टी आपकी सेम लगती है जो आपने ऊपर पड़ी थी, दैट इज 1 lakh पर डे, या तो फिर 1 crore, विच एवर इज लोअर। और इसके एडिशन में आपको ये ट्रांजेक्शन सेटल करना पड़ेगा, वो तो बात अलग ही रहेगी। मतलब सेटलमेंट ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन प्लस 1 lakh पर डे और 1 crore, विच एवर इज क्या है बोले बाजू से लोअर। दिस इज हाउ यू शॉल पे टू सेबी रिगार्डिंग डिलीवरी या पेमेंट में आप क्या कर रहे हो बोले बाजू से लेट कर रहे हो या डिले कर रहे हो। तो यह है आपका दूसरा वाला पेनल्टी। कौन सा वाला पेनल्टी बोले बाजू से? दूसरा। सबसे पहला कौन सा था? जोर से बोलो, कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कॉन्ट्रैक्ट नोट में पेनल्टी कितना था? 5 times। दूसरा कौन सा है? डिलीवरी और पेमेंट, और पेनल्टी कितना है? 1 lakh पर डे और 1 crore, विच एवर इज लोअर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सर? और तीसरे केस में जाते हैं। तीसरा केस था एक्सेस ब्रोकरेज। एक्सेस के अलग बाजू से, नाउ कैन यू टेल मी कि स्टॉक मार्केट में नॉर्मली ब्रोकरेज कितना लगता है? नॉर्मली किसको पता है कितना पैसा लगता है ब्रोकरेज? ब्रोकर मैक्सिमम ब्रोकरेज कितना अलग है सेबी के हिसाब से? चलो अब बोल दू, ध्यान देना पूरा बोर्ड के ऊपर। नॉर्मली आपको ब्रोकरेज लगता है 0.50 rupees पर 100 rupees का ट्रांजेक्शन। अब इसको जरा समझो, बहुत सारे लोग इसमें मिट्टी खाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आगे जाके अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ही के फायदे में रहेगा, ठीक है? पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे समझो। यहां पे मैं इंफोसिस का एक आधा शेयर परचेस कर रहा हूं। किसका लिख बाजू से? इंफोसिस। नाउ इंफोसिस का शेयर समझो है 2000 रुपए का, तो आपको ब्रोकरेज लगेगा 2000 divided by 100 multiplied by 0.5, तो कितना? 10 रुपए। अब 10 रुपए के ऊपर आप सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स सर्विस टैक्स वगैरह मिला के एड कर दो 2 रुपए मिसलेनियस के, तो आपको टोटल ब्रोकरेज कितना लग रहा है? 12। ब्रोकरेज प्लस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स प्लस अदर चार्जेस, मतलब अगर आप इंफोसिस का एक शेयर परचेस करोगे तो आपको 2000 रुपए प्लस कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12। मतलब आपका टोटल हो जाएगा 2012 रुपए। अब नॉर्मली आपको ब्रोकर फोन करता है, ब्रोकर बोलता है हेलो सर, आप बोलते हो हेलो सर इंफोसिस का शेयर ना बड़े सस्ते मिल रहा है 2000 रुपए में, ले लो, 5 दिन के अंदर ऊपर भागेगा। आप बोलते हो ठीक है, कितने में मिल रहा है? वो बोलता है सर 2000 में। आप बोलते ले ले। अब वो खुद का ब्रोकरेज तो नहीं बोलता, आपको लगता है आपने शेयर कितने में लिया? 2000, लेकिन एक्चुअली आपको शेयर कितने में आया? 2012। समझ में आ रहा है? फिर आप राह देखते हो कि 5 दिन में शेयर ऊपर चढ़ेगा, शेयर एक्चुअली ऊपर चढ़ता है, और शेयर एक्चुअली ऊपर चढ़ चढ़ के चढ़ता है 2020 रुपए। ब्रोकर आपको फोन करता है सर 20 रुपए का रिटर्न आ रहा है हर एक शेयर के ऊपर, मैं बोलता हूं 10 शेयर होंगे बेच दो 200 रुपए कमा लो, 200 रुपए क्या कर लो? कमा लो। आप सोचते हो हाँ यार 2000 में खरीदा, 2020 में बेचूंगा, 20 रुपए पैसे आएंगे, 10 शेयर खरीदे हैं तो 200 रुपए मेरे को दिन भर में मिल जाएंगे, कितनी अच्छी बात है। अगर आपने यहां पे शेयर सेल किए तो आपका उल्लू बन गया। आपका क्या बन गया? उल्लू। बिकॉज अगर आपने 12 रुपए पहले ब्रोकरेज परचेस पे लगाए हैं तो सेल पे भी आपको ब्रोकरेज लगेगा जो नियरली 12 से 15 रुपए के बीच होगा। तो आपको टोटल शेयर जो परचेस किया है वो कितने में गिरा पता है? 2012 प्लस सेल्स का ब्रोकरेज नियरली 15 रुपए, विच विल नियरली अमाउंटिंग टू कितना? 2025 रुपए के आसपास। और आपने शेयर सेल कितने में किया? 2020। और आप इस वजह से खुश हो कि आपने 20 रुपए पर शेयर प्रॉफिट कमाया। अब एक गधे, आपने 5 रुपए का क्या मारा है बोले बाजू से? लॉस। और इसी जगह पे आप मिट्टी खाते हो। नॉर्मली ब्रोकरेज के कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए आपने आपका ट्रेडिंग ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन हाँ मैक्सिमम ब्रोकरेज बोला है 0.50 rupees पर 100 rupees का ट्रांजेक्शन, मतलब 50 paise पर 100 रुपए। तो 100 रुपए खरीदो या बेचो 50 paise ब्रोकरेज लगेगा। यही अगर फ्यूचर्स या ऑप्शंस है, फ्यूचर और ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है बेटा लॉट में, तो ब्रोकरेज लगता है ₹100 per lot। मतलब आपने अगर 2 lot लिए तो आपको 200 रुपए लगेंगे, भले ही लॉट का अमाउंट 4 lakh का हो, 4 crore का हो, 400 crore का हो, डजंट मैटर, आपको लगेगा तो सिर्फ कितना? ₹100 per lot। लेकिन आज के डेट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो 0 rupees के ऊपर भी ब्रोकरेज देते, मतलब 0 rupees के ब्रोकरेज पे भी ट्रेडिंग करवाते हैं। अगर आपने सुना होगा तो एक साइट है जीरो दा करके, आपने शायद नहीं सुना होगा,
जीरोधा करके एक साइट है गूगल के ऊपर सर्च करना, वो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट अवेल करने देते हैं और इक्विटी ट्रेडिंग के ऊपर वो 50 पैसे की जगह सिर्फ 0 पैसे ब्रोकरेज लगाते, मतलब ब्रोकरेज नहीं लगाते, और वो फ्यूचर और ऑप्शन पे सिर्फ 20 रुपए पर लॉट का ब्रोकरेज लगाते, सिर्फ 20 रुपए पर लॉट का। तो ऐसे भी लोग हैं जो आज के डेट में बहुत कम रेट ऑफ ब्रोकरेज में आपका ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ ना। और नॉर्मली आपका ब्रोकरेज डिपेंड होता है आपके ट्रेडिंग के, स्पेक्युलेशन के या आपके टर्नओवर के ऊपर। नॉर्मली राकेश झुंझुनवाला जैसे लोगों को हार्डली ब्रोकरेज लगता होगा 0.05 पैसे या 0.10 पैसे पर ट्रांजेक्शन। क्लियर है? हालांकि मैं एकदम रेगुलर ट्रेडर नहीं हूं, 3-4 महीने में एक आध बार देखता हूं, तो फॉर मी ब्रोकरेज राइट नाउ 0.35 पैसे पर 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो दिस इज हाउ ब्रोकरेज वेराइज। लेकिन अगर आप इसने से ज्यादा आपने कभी भी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया, आपने अगर इससे ज्यादा कभी भी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया तो बेटा आपको पेनल्टी लगती है। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या कह रहा हूं। 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस ब्रोकरेज और रुपीज 1 लाख विच एवर इज क्या बाजू से हायर, मतलब कम से कम आपकी कितने की पावती फटेगी 1 लाख, भले ही आप ब्रोकरेज 5 पैसे का क्यों ना ज्यादा लगाओ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये है आपका ट्रांजैक्शन नंबर, कौन सा बोले बाजू से 3। एक बार मुझे सभी ट्रांजैक्शन बोल दो। पहला कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। कितना है बोले एक बार? 5 टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। दूसरा डिलीवरी और पेमेंट कितना है? 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। पीछे मौन रहते क्या आज लास्ट सेकंड बेंच। तीसरा वाला कौन सा है? एक्सेस ब्रोकरेज और कितना है पेनल्टी? 5 टाइम्स एक्सेस ब्रोकरेज और 1 लाख विच एवर इज हायर। क्लियर है? ये है आपका सेक्शन 15F। और अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट नोट, डिलीवरी पेमेंट और एक्सेस ब्रोकरेज, ये तीनों जो तीनों के तीनों प्रॉब्लम है ये स्टॉक ब्रोकर ही कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नोट भी स्टॉक ब्रोकर गलत दे रहा है, डिलीवरी पेमेंट भी स्टॉक ब्रोकर गलत दे रहा है और एक्सेस ब्रोकरेज भी स्टॉक ब्रोकर चार्ज कर रहा है। सो मैं इस सेक्शन को बोलता हूं 15F, एफ फॉर फेलियर बाय ब्रोकर। समझ में आ रहा है? या फ्रॉड बाय ब्रोकर भी आप इसको याद रख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो लिख लेना एफ फॉर फेलियर बाय ब्रोकर, और जितनी चीजें आपको इसमें से चाहिए सब लिख लो, सभी के सभी काम किए। ठीक है, इसको भी जॉट डाउन करो, काम में ही आएगा। गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, गो फॉर इट। मैं धीरे धीरे ड्रैग करता हूं। ड्रैग करूं? यहां पे भी आप पेनल्टी लिख सकते हो। यहीं पे पेनल्टी चाहिए तो पुट करके रखो।
ड्रैग करूं, कॉन्ट्रैक्ट नोट का थोड़ा फॉर्मेट भी ड्रॉ करके रखना। आगे बढ़ो, यस सर, नो। चलो आगे बढ़े, ड्रैग करूं, ड्रैग करो, कॉन्ट्रैक्ट नोट ड्रॉ कर लिया, करना है नहीं करना है? एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकर्स सर्विस टैक्स और बीएससी के ट्रांजैक्शन चार्जेस। चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट से। यह है आपका डिलीवरी और पेमेंट का सिचुएशन, इसको भी ड्रॉ कर लो।
ड्रैग करूं, आगे बढ़ाओ, यस और नो? दोनों परचेस और सेल्स दोनों लिख लिया है? ऊपर का हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे? नहीं तो लिखो, फास्ट लिखो, रंगोली नहीं निकालनी है वहां पे। अब ये ब्रोकरेज कंप्यूटेशन दिया है, इसको भी लिख लो। नॉर्मली कैसे कंप्यूट करते हैं एक्सेस ब्रोकरेज के लिए? चलो, हो गया सबका? डन एवरीवन? चलो मुझे एक बार सभी सेक्शंस बोलो, लेट्स गो। सबसे पहला ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, और उसके अंदर कितने हैं? छह। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा यूनिट सर्टिफिकेट, चौथा लिस्टिंग, पांचवा इन्वेस्ट, छठवा रिफंड। क्लियर है सबको? हाँ ना। और उसके बाद में ई फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सबके लिए क्या पेनल्टी था? 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। उसके बाद में था एफ, एफ फॉर कितना? 3। पहला कॉन्ट्रैक्ट नोट कितना? 5 टाइम। दूसरा डिलीवरी और पेमेंट कितना? 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। और तीसरा एक्सेस ब्रोकरेज कितना? 5 टाइम्स एक्सेस ब्रोकरेज और 1 लाख, विच एवर इज हायर। एफ फॉर फेल्योर बाय ब्रोकर। समझ में आया सबको? हाँ ना। जोर से बोले एक बार न। चलो, सो यहां पे आपके नियरली हाफ पेनल्टीज खत्म हो चुके हैं। बचे हुए हाफ पेनल्टीज हम ब्रेक के बाद देखते हैं 10 मिनट बाद। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
कोई ना सॉन्ग ना इरशाद मैं शुरू कर रहा हूं, बाद में आपका कंसेप्ट मिस हो गया, आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कर शुरू। ओके, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। अभी बेसिकली हमने जितने सेक्शंस देखे उनको एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहला था सेक्शन नंबर 15A, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, और उसके अंदर कितने हैं? छह। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा यूनिट सर्टिफिकेट, चौथा लिस्टिंग, पांचवा इन्वेस्ट, छठवा रिफंड। क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना। उसके बाद में हम गए थे 15E के ऊपर, ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी। इन सबके लिए पेनल्टी बोलो 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। क्लियर है? इन सब के बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 15F, और एफ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एफ फॉर फेलियर बाय ब्रोकर। उसके अंदर कितनी चीजें हैं? तीन। पहला कॉन्ट्रैक्ट नोट कितना? 5 टाइप। दूसरा डिलीवरी और पेमेंट कितना? 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। और तीसरा एक्सेस ब्रोकरेज, दैट इज 1 लाख और 5 टाइम एक्सेस ब्रोकरेज, विच एवर इज हायर। क्लियर है सब? अब हम जाते हैं आगे, दरवाजा लगा लो। चलो कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना बहुत अच्छे से, तो समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स गो। अगला वाला सेक्शन देखने के पहले
मैं जरा सा एक केस लेना चाहूंगा, एक केस, एक वाकिया जो स्टॉक मार्केट में हुआ था, और कल इस बंदे के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुन ली थी। हर्षद मेहता, नाम तो सुना ही होगा, है ना। मैं एक्चुअल केस ले रहा हूं। अब हर्षद मेहता केस में हुआ क्या था, अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, तो समझ में आएगा। मैं इन डीप केस ले रहा हूं कि हर्षद मेहता केस में हुआ क्या था, और आपको समझना जरूरी है, बिकॉज आप शीए फाइनल पे हो, कभी अगर किसी ने पूछ लिया तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। क्लियर है? सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, नहीं तो कभी आपको क्लाइंट ने पूछ लिया, बड़ा तू सीए करता है, बता जरा हर्षद मेहता में क्या हुआ था, तो बोलते फेंकते भी तो आना चाहिए ना कुछ चीजें लाइफ में, हाँ ना। सो स्टार्ट करते हैं फेक, अब मैं नहीं फेंक रहा, मैं एक्चुअल केस बता रहा हूं, ठीक है, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, कॉन्स्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से, होल्ड, हाँ, हॉट सीट, ठीक है, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। नाउ हर्षद मेहता, ये बंदे का नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। पूछो क्यों? जैसे कल मैंने आपको बोला था, इसके खिलाफ सिविल प्रोसीजर कोड में नियरली 73 केसेस फाइल हुए थे, सॉरी 600 केसेस फाइल हुए थे, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके खिलाफ नियरली 73 केसेस फाइल हुए। मतलब अगर आप देखो तो नियरली 673 केसेस ओनली अगेंस्ट वन पर्सन, जिसमें से एंटरटेन किए गए सिर्फ कितने, जोर से बोलो, 27 केसेस, और प्रूव सिर्फ हुआ एक। मतलब हद होती है, 673 केसेस फाइल किए और सिर्फ एक प्रूव हुआ। मतलब ऐसा भी क्या किया था इस बंदे ने कि पहले 673 केसेस फाइल हुए और 673 फाइल होने के बाद भी प्रूव सिर्फ कितना हो रहा है, एक। नाउ दैट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि हर्षद मेहता ने ऐसा क्या किया। नाउ अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो केस शुरू करता है, ध्यान देना। सो बेसिक केस देखते थे कि एग्जैक्ट केस में हुआ क्या था, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, तो समझ में आएगा। अब बेसिकली हर्षद मेहता का स्कैंडल आपको समझना है तो आपको दो टाइप के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। नाउ दो टाइप के कंसेप्ट कौन से, तो ये भी जरा ध्यान देना, लेट्स गो। सबसे पहला कंसेप्ट है, दैट इज बैंक रिसीट्स का, बैंक रिसीट, या जिसे बैंक नोट भी कहा जाता है, बैंक रिसीट्स, या एक बार उसे बैंक नोट। और दूसरा कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, दैट इज सेंटी मार्केट, सेंटी के वाले बाजू से मार्केट। नाउ व्हाट इज सेंटी मार्केट एंड व्हाट इज बैंक रिसीट, पहले मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दूं। नाउ बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं बैंक रिसीट के कंसेप्ट के साथ। नॉर्मली क्या होता था, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इंटर बैंक बोरिंग्स? व्हाट इज इंटर बैंक बोरिंग? जब कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक से बोरोइंग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर बैंक बोरोइंग। नाउ इंटर बैंक बोरोइंग का पहला वाला चीज क्या होता था हिस्ट्री में, और अभी क्या होता है, ये दोनों को मैं पहले समझा दूं। नॉर्मली जब कभी भी कोई स्मॉल बैंक किसी बिग बैंक से लोन लेता था, कौन से बैंक से, बोले बाजू से बिग बैंक से, क्या ले रहा है, बोले बाजू से लोन, तो नॉर्मली ये लोन होता था बहुत बड़े अमाउंट का। अब 1-2 करोड़ का तो लेंगे नहीं, लेंगे तो अच्छे खासे अमाउंट का लेंगे, तो नियरली लोन ले लेते 100-200 करोड़ का। लेकिन बिग बैंक स्मॉल बैंक के ऊपर भरोसा भी क्यों करे, क्यों उसने लोन देना चाहिए, इसलिए बिग बैंक स्मॉल बैंक से एक मॉर्गेज मांगता था। क्या मांगता था? मॉर्गेज। नाउ मॉर्गेज मतलब असेट फर्निश करना, आप लोन ले रहे हो उसके खिलाफ सिक्योरिटी फर्निश करना। नाउ नॉर्मली आप देखो तो इंटर बैंक कमर्शियल बोरोइंग्स ये हार्डली 15 days के होते हैं, मतलब 15 दिन तक आप लोन लोगे, 15 दिन के अंदर आप उसको रिपे कर दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, 15 दिन के अगर इंटर बैंक कमर्शियल बोरोइंग्स है तो ऐसे सिचुएशन में ये इमरजेंसी वाले लोन होंगे या ये टाइम पास वाले लोन होंगे? इमरजेंसी। अब आप सोचो इमरजेंसी का लोन है और इमरजेंसी के लोन में भी आपको मॉर्गेज क्रिएट करना है, लोन इमरजेंसी का है और क्रिएट क्या करना है, मॉर्गेज। अब मॉर्गेज क्रिएट करना मतलब क्या क्या इन्वॉल्व है जरा देखो। पहले तो आपको वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से 80% ऑफ मॉर्गेज अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मॉर्गेज डीड क्रिएट करना पड़ेगा, मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसका स्टैंपिंग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
मतलब नियरली एक मॉर्गेज क्रिएट करने में आप गमा रहे हो 4 से 5 दिन। अब मुझे एक बार बताओ, अगर लोन 15 दिन का है और आप सिर्फ मॉर्गेज में 4-5 दिन दे रहे हो तो इमरजेंसी क्या खाद बची? 5 दिन में तो बैंकिंग सिस्टम में तो पैसा इधर का उधर हो जाए पूरा का पूरा। तो प्रॉब्लम यह था कि अब सिक्योरिटी फर्निश करें तो कैसे? हाउ वी कैन फर्निश द सिक्योरिटी इन केस ऑफ सच ए इंटरबैंक कमर्शियल बोरिंग्स? तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। यह तो बात चल रही थी हिस्ट्री में और इसको कुछ ऐसे रिप्लेस किया गया कि स्मॉल बैंक आज के डेट में बिग बैंक से फिर भी लोन लेते ही है, लेकिन वो मॉर्गेज के जगह पे एक प्रोमिसरी नोट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, सीपीटी में उसका अकाउंटिंग किया होगा। प्रोमिसरी नोट इज आई प्रोमिस टू पे सो एंड सो टू ब्ला ब्ला एट ब्ला ब्ला डेट, यस और नो, विदाउट एनी कंडीशन, है ना? तो आप प्रोमिसरी नोट इशू करने लग गए, बैंक रिसीट्स इशू करने लग गए, क्लियर है सर? सो आप जो भी लोन ले रहे हो उस लोन के खिलाफ अभी आपको सिर्फ प्रोमिसरी नोट इशू करना है। और वो प्रोमिसरी नोट कहता क्या था कि मैंने इस बैंक से लोन लिया है, अगर मैंने ये लोन 15 दिन में रीपे नहीं किया तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो असेट है, ये मैं बड़े बैंक के हवाले कर दूंगा। असेट तो बैंक की है, मेरी तो सिर्फ अमानत है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ऐसा मैं प्रॉमिसरी नोट इशू करता था और अगर मैंने 15 दिन में लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो सच में बिग बैंक आके मेरे प्रॉपर्टी के कागजात लेके चली जाएगी। एंड दिस इज हाउ द प्रॉमिसरी नोट्स आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। नाउ ये प्रॉमिसरी नोट को बैंकिंग सिस्टम में कहा जाता था बैंक रिसीट्स। क्या कहा जाता था? बोले बाबू से बैंक रिसीट्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब ये तो बैंक रिसीट का कंसेप्ट हुआ, लेकिन अगर आप सोचो अगर मुझे मेरे लोन के खिलाफ सिर्फ बैंक रिसीट देना है और एक असेट के खिलाफ मुझे बैंक रिसीट देना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक असेट के खिलाफ 2-3 बैंक रिसीट इशू करूं, बिकॉज प्रॉपर्टी के कागजात तो मेरे पास ही है। और मैं एक के खिलाफ हो सकता है 5-10 बैंक रिसीट इशू करूं, 15-20 बैंक रिसीट इशू करूं, बिकॉज असेट मेरे पास दिखने वाली, प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो बैंक रिसीट इशू करने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो मैं तो कितने भी इशू कर सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास असेट नहीं है बट फिर भी मैं फेक बैंक रिसीट इशू करूं। तो बेसिक जो सबसे बड़ा फ्रॉड था वो यही था कि हर्षद मेहता ने कुछ बैंक्स को पकड़ के फेक बैंक रिसीट इशू करने के लिए बोला। क्या इशू करने के लिए बोला? फेक बैंक रिसीट, और बड़े पैमाने पे पैसा मांगने के लिए बोला। दैट्स इट। इतना आप याद रखो बैंकिंग सिस्टम का फ्रॉड। इतना आप याद रखो क्या का फ्रॉड? बैंकिंग सिस्टम। यही अगर आप जाओ सेकंड वाले एलिमेंट के ऊपर, तो सेकंड एलिमेंट को कहता हूं मैं सेंटी मार्केट। कौन सा वाला मार्केट? सेंटी मार्केट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सिचुएशन देते, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई शेयर है जो स्टॉक मार्केट में अभी ₹100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, कितने रुपए पे ट्रेड हो रहा है? 100, ठीक है, और धीरे धीरे ये शेयर का प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, समझो 102 हुआ, 105 हुआ, 110 हुआ, एक्सेट्रा। मुझे एक बार बताओ, अगर आपके पास पैसे है और आपको दिख रहा है कि शेयर का वैल्यू धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में ऊपर बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे या नहीं करना? बिकॉज अभी अगर इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाकर रिटर्न मिलेगा, बिकॉज शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। वही अगर मैं आपको बोलूं कि अगर शेयर का प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है, ₹100 से हुआ समझो 95, 95 से 90, 90 से 85 ऐसा हो रहा है, और आपके पास समझो पैसा है और शेयर दोनों है, तो मुझे एक बात बताओ, शेयर का प्राइस ड्रॉप होते जा रहा है तो अभी खरीदोगे या वेट करोगे? जोर से बोलो, अभी खरीदोगे या वेट करोगे? और अगर आपके पास शेयर होगा तो लॉस होने तक के रुकोगे या पहले ही बेच दोगे? पहले ही बेच दोगे। तो आप देखो, जब शेयर का प्राइस 100 था आप कुछ नहीं कर रहे थे, जब 102 हुआ आपने परचेस करना शुरू किया। और ऐसा ही सिचुएशन सभी लोगों का होता है। देखो, आप सबने एक साथ बोला कि सभी लोग परचेस करेंगे जब प्राइस ऊपर जाएगा। अब आप देखो, ऑलरेडी शेयर 100 पे था, 102 गया, आपने परचेस मारा, मतलब डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा मतलब अगेन प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा मतलब अगेन डिमांड बढ़ा, अगेन डिमांड बढ़ा मतलब अगेन प्राइस बढ़ा, अगेन प्राइस बढ़ा मतलब अगेन डिमांड बढ़ा, अगेन डिमांड बढ़ा मतलब अगेन प्राइस बढ़ा। और लोग ये सेंटिमेंट कैरी करते हैं और इसे कहा जाता है बुल रन। इसे क्या कहा जाता है? बुल रन। बुल रन का सबसे पहला डेफिनेशन अगर स्टॉक मार्केट को किसी ने सिखाया होगा तो वो था हर्षद मेहता, कि बुल रन क्या होता है। देखो, उसके पहले लोग छोटे छोटे बुल रन करते थे। गाय के बुल रन, वो मराठी में कहते ना गाय के बच्चे को, वासुरू रन था, वासुरू रन। सर जो नेवला नहीं होता, नेवला नहीं, क्या बोलते उसको? नेवला, अरे क्या कहते हैं उसको, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा। बछड़ा रन था वो, बुल रन नहीं था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेवला कहां से क्या मालूम। सो वो बछड़ा रन था। कौन सा रन था वो एक बार, उसे बछड़ा रन, बुल रन तो था ही नहीं। एक्चुअल बुल रन हर्षद मेहता ने दिखा। वही अगर अगर
आपकी प्राइस कम हो रही है तो देखो सबने बोला हम शेयर सेल करेंगे, मतलब पहली प्राइस कम हुई उसमें आपने सेल किया, मतलब सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ा मतलब और प्राइस कम हुए, और सप्लाई बढ़ा और प्राइस कम हुई, और सप्लाई बढ़ा और प्राइस कम हुई, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ बेयर रन। इसलिए देखो स्टॉक मार्केट में दो टर्म बहुत मशहूर है, एक बुल एक बेयर। क्लियर है सब सबको? हाँ ना, जो सब बियर नहीं बेयर, बेयर समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, क्लियर है? नहीं कोई भरोसा नहीं, खाली नशे में चले जाओ उससे पहले, ठीक है? नाउ ये दो चीजें आपको समझनी चाहिए, पहला कौन सा है बोले बाजू से बैंक रिसीट, और दूसरा बुल रन और बेयर रन, दैट इज सेंटी मार्केट। अगर ये दो चीजें अच्छे से समझी तो अब जरा फ्रॉड सुनो, एक्चुअल फ्रॉड हुआ क्या था, ये दोनों का ब्लेंड है, बड़ा टेक्निकल फ्रॉड था, मतलब एजुकेटेड पर्सन का प्रॉपर वाला फ्रॉड था, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। हर्षद मेहता ने क्या किया, दो स्मॉल बैंक्स को पकड़ा, चलो स्मॉल बैंक्स के नाम भी बोल देता हूं, एक था बैंक ऑफ कराड़ और दूसरा पाला बैंक था मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया, दो छोटी छोटी बैंक है, बैंक ऑफ कराड़ आपने सुना होगा कर्नाटक में, यस नो, और दूसरा था मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया। हर्षद मेहता ने ये दो बैंक को पकड़ा और इनको बोला कि मैं आपको हाई कमीशन पे करता हूं, हाई रिटर्न पे करता हूं, हाई इंटरेस्ट पे करता हूं, सिर्फ एक काम करो फेक बैंक रिसीट्स इशू करो और बदले में बड़े बैंक से बिग बैंक से अच्छा खासा लोन लो 100-200 करोड़ का, और ये 100-200 करोड़ का लोन मुझे फॉरवर्ड करो, मुझे क्या करो फॉरवर्ड करो, तुम वैसे भी लोन 15 दिन के लिए ले रहे हो, मुझे 15 दिन के लिए लोन फॉरवर्ड करो, 15 दिन में मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा, साथ में हाई कमीशन हाई इंटरेस्ट के साथ। बैंक वालों के लिए बहुत अच्छा सौदा था, अच्छा कमीशन मिल रहा था, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, सभी बैंक ने, ये दोनों बैंक ने भर भर के फेक बैंक रिसीट इशू किए, और SBI, उसके बाद में आपका वो विजया बैंक, IDBI बैंक, ऐसे अच्छे खासे बैंक से लोन रेज किया, और ये पूरा लोन उन्होंने ट्रांसफर किया हर्षद मेहता को। अब जब बैंक लोन लेती है तो एक हाथ दो करोड़ तो लेती नहीं है, 100-200 करोड़ लेगी। हर्षद मेहता के पास नियरली ऐसा अमाउंट जमा हो गया 100-500 करोड़ के आसपास। हर्षद मेहता ने क्या किया, एक शेयर को पकड़ा, ACC लिमिटेड, ACC सीमेंट्स जिसको कहते हैं, उस वक्त शेयर का प्राइस मैक्सिमम चल रहा होगा 300-350 के आसपास। हर्षद मेहता ने इस शेयर में पैसा डालना शुरू किया, शेयर का प्राइस बढ़ा 500 रुपए, जब उसको ऐसा लगता था शेयर का प्राइस कम हो रहा है वो वापस से पैसा डालता था, शेयर का प्राइस हुआ 1000 रुपए, जब उसको लगता था शेयर का प्राइस कम हो रहा है वो वापस पैसा डालता था, शेयर का प्राइस हुआ 1500 रुपए, जब उसको लगता था शेयर का प्राइस कम हो रहा है तो वो वापस पैसा डालता था। ऐसा करते करते द शेयर टच्ड 10,000 प्लस पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा 1993 में, समझ में आ रहा है? हर्षद मेहता ने शेयर माइड भी परचेस किए होंगे 350-400-500, चलो एवरेज ले लो 2000 रुपए, एवरेज कितना 2000, और शेयर बेचा कितने पे होगा 10,000 प्लस, 8,000 रुपए का प्योर प्रॉफिट पर शेयर, और ऐसा उसने 100-500 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। क्लियर है? अब इसमें से अगर आपने 100-500 करोड़ निकाल के बैंक को फेंक के भी मारे तो भी आपके पास अच्छा खासा 10-25-30,000 करोड़ का अमाउंट बचता है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सुनो। पर अचरज की बात यह है कि ये पूरे फ्रॉड का अमाउंट जो एंड में डिक्लेयर किया गया, जो कल हमने पढ़ा था, वो सिर्फ था 4000 करोड़, जिसके ऊपर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ठीक है? जिस दिन फ्रॉड सामने आया उस दिन मार्केट नियरली 600-800 पॉइंट बुम नीचे, जिस दिन फ्रॉड सामने आया उस दिन विजया बैंक के मालक ने, जिस बैंक ने बहुत बड़े पैमाने पे बैंक ऑफ कराड़, मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया को लोन दिया था फेक बैंक रिसीट पे, विजया बैंक के मालक ने छत से कूद के ड्रामेटिक वे में जान दे दी, ठीक है? उसी बैंक के ब्रांच के छत से कूद के जान दे दी, बिकॉज उसने फेक बैंक रिसीट के ऊपर लोन दिया था और बाद में वो आइडेंटिफाई हुआ। बैंक ऑफ कराड़ के ब्रांच मैनेजर ने खुद के घर में खुद को फांसी लगा ली, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता फ्रॉड के बाद कम से कम 20 से 25 इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो उसके बाद में ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स आत्महत्या करते रहे, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो बेसिकली देखा जाए तो एक बंदे ने फ्रॉड किया,
4,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया जो एक्चुअल पेपर पे दिखा। हर्षद मेहता ने फ्रॉड करने के बाद जब उसकी स्टेट को कब्जा कर लिया गया, गवर्नमेंट ने जब सीज किया, आपको यकीन नहीं होगा बांद्रा पाली हिल्स जैसे ल्यूक्रेटिव क्रीम एरिया में यह बंदे का नियरली 5,500-6,000 square feet का फ्लैट था। ठीक है, उसका उसके नेक्स्ट 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बड़ा बंगलो था, बंगलो में स्विमिंग पूल प्लस गोल्फ कोर्स था। सोचो, बंगलो में गोल्फ कोर्स, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, इतना बड़ा उस्टेट उन्हें जमा किया था। और यह बंदे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ सिर्फ 27 offenses के बेसिस पे। जब तक मुझे, जहां तक मुझे पता है, एक्चुअल जो फ्रॉड था वो मेरे हिसाब से कम 10-12 हजार करोड़ से कम नहीं होगा। लेकिन इंडिया में एक तरीका है कि फ्रॉड बोलते वक्त भी थोड़ा सा कम करके बोलते हैं, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, 4,000 करोड़ का। सत्यम का फ्रॉड हुआ था नियरली 14,000-15,000 करोड़ का, जो बोलते वक्त थोड़ा सा 7,000 करोड़ तक के बोला गया। कंसर्न समझ में? ऑब्वियसली बात है, जो बंदा 4,000 करोड़ का फ्रॉड कर सकता है और 4,000 करोड़ डिक्लेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली अंडर टेबल कम से कम डबल अमाउंट होगा ही होगा। एंड इंडिया इज अ सिस्टम, ठीक है, सब लोग ही है। ठीक है, अगर किसी ने इसको पकड़ने की कोशिश की, या अगर 100 करोड़ उसको फेंक के भी मारे तो वैसे ही खुशी के मारे मर जाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो पकड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए देखो 673 प्रोसिक्यूशन में से सिर्फ एक प्रूव होता है, मतलब सिर्फ 673। तुम्हारे ऊपर सोचो, कभी तुम्हारे ऊपर 673 प्रोसिक्यूशन पड़े? 673 तुम्हारे ऊपर सोचो, मुझे एक बार बताओ, उसमें सिर्फ एक प्रूव होगा? एक मतलब कहां का इंसाफ है? प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को इसने पूरा जमीन दोस्त कर दिया, खत्म कर दिया प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को, बचा ही नहीं कुछ प्रोबेबिलिटी बोलने लाए। सो बेसिकली देखा जाए तो दैट वाज अ रेज फ्रॉड, एकदम रेज वाला। अब ये तो हुआ ही हुआ, हर्षद मेहता बाबा का प्रसाद सुनो। हर्षद मेहता ने यह जो फ्रॉड किया, इसके बाद में सेबी एकदम खतरनाक तरीके से बड़ा हो गया। पहले सेबी छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। हर्षद मेहता ने यह फटका लगा, कहा लगाया तूने, तेरे हाथ में इंडिया का कैपिटल मार्केट देना है, ऐसी हरकतें करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ ना, सेबी एकदम और सेबी एकदम फिर से बड़ा हो गया ट्रेड। मतलब 2 साल में सेबी ने, वो 2 साल में जो सीखा है वो लाइफ टाइम कभी सेबी सीख नहीं सकता, लाइफ टाइम नहीं सीख सकता। उसी वक्त सेबी ने कंसेप्ट लाए सर्किट ब्रेकर्स एंड सर्किट फिल्टर्स। सेबी बोलता है इसके बाद में तुम कितना भी ट्रेड करो, शेयर का प्राइस 5% के ऊपर नहीं जाएगा, 5% के नीचे नहीं जाएगा। अगर शेयर का प्राइस 5% को छू लेगा तो उस दिन का ट्रेडिंग उसका हॉल्ट हो जाएगा, दूसरे दिन वापस से शुरू करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जहां पे हॉल्ट हुआ था वहां से। सो एक दिन में अब यहां पे प्राइस हाइप नहीं हो सकता, ये हर्षद मेहता बाबा का प्रसाद है। क्लियर है कंसेप्ट? ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा, सर उसने गलत क्या किया? सर पैसा लोन पे लिया, लोन को रीपे किया और वो पैसा स्टॉक मार्केट में डाला, रिटर्न कमाया, सर गलत क्या किया? ठीक है, गलत कुछ तो किया सर, लग क्या रहा है, क्या गलत किया बेटा? मैं सीखो, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे को मालूम है आपके दिमाग में होगा कि सर उसने गलत क्या किया, लेकिन देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। एक सीधी बात होती है कि हर लॉ प्रिपेयर करते वक्त मैंने आपको 4 चीजें बोली थी याद रखने के लिए। सबसे पहला कौन सा है? सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा एथिक्स। ठीक है, अब मुझे यह मालूम है कि मैं आपको 100% इस चीज के ऊपर कन्विंस नहीं कर सकता। मैं नियरली अभी तक बोलूं तो 4-5 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसमें से मुझे यह भी पता है कि आज के डेट में 10% बच्चे इस केस के बारे में मेरे से कन्विंस नहीं होते। और मैं ये भी बोलता हूं कि मैं आपको कन्विंस कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो सब्जेक्टिव चीज है कि आपके लिए इथिक्स क्या है और मेरे लिए इथिक्स क्या है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, सो रादर मैं कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक हाथ मेरे को लग रहा है 2-4 हर्षद मेहता क्लास में बैठे हुए, ठीक है, मतलब आ रहा है समझ में, भैया ऐसा कुछ करो तो मेरा नाम मत लेना सिर्फ, ठीक है, लेट्स गो। देखो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या पुट करना चाहता हूं उसको समझो। जब भी इतना बड़ा फ्रॉड होता है ना बेटा, तो आई नो इतना बड़ा फ्रॉड होना ये इसलिए पॉसिबल था बिकॉज उस वक्त ऐसा कोई लॉ नहीं था। अगर सर्किट ब्रेकर सर्किट फिल्टर उस वक्त होते तो शायद फ्रॉड नहीं होता था, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई लॉ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ नहीं है तो सब कुछ लीगल है। अरे यार, लॉ नहीं है तो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी लीगल कर दोगे तुम, विच इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। इसके लिए सर्किट ब्रेकर सर्किट फिल्टर नहीं था, मतलब तुम प्राइस को कैसे भी तरीके से डेविएट करो, चलो छोड़ो डेविएट तो कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपको 1% भी इस चीज के ऊपर यकीन है, 1% कि अगर हर्षद मेहता ने इतना बड़ा फ्रॉड किया तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में चोर बैठा होगा, कहीं ना कहीं तो कल्प्रिट माइंड होगा,
कहीं ना कहीं तो उसको पता होगा कि अगर मैंने ऐसा कोई एग्जीक्यूशन किया तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। 1% आपको ये भरोसा हो सकता है, 1% हर्षद मेहता को तो भी एक बार लगा होगा कि अगर ऐसी चीज होती है तो कहीं ना कहीं फैमिलीज डिस्टर्ब होगी। अब लॉ नहीं है इसका मतलब इसको छोड़ दे, लॉ नहीं है इसका मतलब इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ना करे। अरे जब आप कोई फ्रॉड करते हो तो आप बोल के नहीं करते हो, हर लॉ आपके फ्रॉड के हिसाब से बनाया गया है कि आप फ्रॉड ना करो। एक बार फ्रॉड हो गया उसके बाद में लॉ बनता है, बिकॉज जो बनाने वाला है वो भी इंसान है और जो करने वाला है फ्रॉड वो भी इंसान है। वो कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, नीड होना चाहिए। फ्रॉड इज नथिंग बट अ नीड एंड इन्वेंशन इज द लॉ, क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, हर्षद मेहता ने जब ये फ्रॉड किया होगा दिमाग में कम से कम चोर होगा, उसको पता होगा वो क्या कर रहा है, कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है उसको पता होगा। सेकंड चीज मुझे एक बात बताओ कि कहां ये, कौन से एंगल से आपको सेफ वाला ट्रांजैक्शन दिखता है, कौन से एंगल से नॉट एट द कॉस्ट अदर्स वाला ट्रांजैक्शन दिखता है, कौन से एंगल से ये पब्लिक बेनिफिट वाला ट्रांजैक्शन दिखता है और कौन से एंगल से इथिक्स वाला ट्रांजैक्शन दिखता है। जो बेसिक पैरामीटर है ह्यूमैनिटी के, जिसके बेसिस पे हम लॉ बनाते हैं, वो चारों पैरामीटर्स ये खराब कर रहा है। उसके ऊपर इसके दिमाग में चोर है और उसके भी ऊपर चोर होते हुए भी, मालूम होते हुए भी ये ट्रेड कर रहा है। और चलो चलो मान लिया कि इसके दिमाग में चोर नहीं है, तो बाद में खुद ने, ये जब लोगों ने आत्महत्या की तो खुद ने बोल देना चाहिए था ना, सुसाइड तो दिख रहा था लोगों का। क्या तुम्हारा फ्रॉड का अमाउंट इतना बड़ा है, इतना अहम वाला है कि दो चार लोग उसके लिए मर जाए, चलो 5 साल में 25-26 लोग मर जाए, इतना कौन सा बड़ा तुम फ्रॉड करना चाहते हो कि लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाए। और अगर इसके दिमाग में कल्प्रिट नहीं था तो उसने रोकना चाहिए था, अमाउंट सरेंडर करना चाहिए था, जिनका डैमेजेस थे रीपे कर देने चाहिए थे, बात खत्म, कोई सुसाइड नहीं करता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था। हो सकता था गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्लीन चिट भी मिले, लेकिन बंदे ने नहीं किया, नहीं किया मतलब उसके दिमाग में चोर है। क्लियर है सर? जिसको शर्म आती है वो ऐसी चीज नहीं करता, जिसको शर्म नहीं आती है वो ऐसी चीजों को देख भी सकता है, सह भी सकता है और एंजॉय भी कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से, मैं पहले ही बोला कि मैं आप में से 10% लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, पर मेरे हिसाब से इस बंदे के दिमाग में चोर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये माइंड भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्टफुल वाला पर्सन होगा, बट नहीं, एज पर माई कंसर्न जिस तरीके का फ्रॉड उसने किया है, चोर दिमाग में है, तो मैं उसको कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। ऑब्वियसली मैंने जब आपको सेबी के 4 लोग बताए तो उसमें मैंने यही बोला है कि हर्षद मेहता ने निगेटिवली ही स्टॉक मार्केट के ऊपर हामर किया है। हाँ, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट यह है कि सेबी बहुत स्ट्रांग हो गया। ये इतने बड़े तगड़े तगड़े पेनॉल्टी आप इसलिए पढ़ रहे हो, ये केस का पेनॉल्टी पता है, यह है सेक्शन नंबर 12A, स्टॉक मार्केट के 12 बजा दिए थे हर्षद मेहता ने, समझ में आ रहा है? सेक्शन 12 पेनल्टी है 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड व्हिच एवर इज हायर, मतलब कम से कम 25 करोड़ की पावती फटेगी। तो ये चीज हर्षद मेहता देके गया है सेबी को कि इस तरीके के प्रबल पेनल्टी लगाए। अगर हर्षद मेहता नहीं होता तो माइट भी हम कह सकते थे कि पेनल्टी आज के डेट में 1,00,000 करोड़ तक के ही सीमित रहती थी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो दिस इज एग्जैक्टली द फ्रॉड इज एग्जीक्यूटेड। और मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि इन चीजों से अगर आप दूर ही रहो तो अच्छा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। जब आपको लगे कि आपके दिमाग में चोर है और फिर भी आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग वे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो इस चीज को याद रखना, बाकी तो आप खुद के मर्जी के मालिक ही हो, ठीक है? सो मैं चाहूंगा सेक्शन एक बार लिख लो या केस एक बार लिख लो और सेक्शन 12 पढ़ लो। इस चीज को होल्ड, इस चीज को कहा जाता है मोडस ऑपरेंडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, या एखादा कोई ऐसा मैकेनिज्म स्टॉक मार्केट में लगाना जिसके थ्रू आप प्राइस को डेविएट कर पाओ। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। जोर से बोल एक बार ना। चलो केस को लिख लो, गो फॉर इट फास्ट।
ओके आ जाओ, हुआ नहीं हुआ, इतना इंटरेस्ट आ गया तुमको केस लिखने में? मार दोनों को, चलो लेट्स गो। नाउ अगर हर्षद मेहता के बारे में आपने सुना होगा तो दो तीन फैक्ट और बोल दूं जनरल नॉलेज वाली। ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर 1990 नरसिंह राव, ठीक है, फिर देवेगौड़ा, राइट। ओके, सो नरसिंह राव को उसने उस वक्त बोले ब्राइब दिया था 1,00,000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर को हर्षद मेहता ने, ठीक है। नाउ अगर आप कंसिडर करो तो देखो ये चीजें सुनने में तो बहुत आएगी, लेकिन फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कंफर्मिटी इसका कितना है ये हर्षद मेहता और नरसिंह राव को ही पता। सर दूसरी चीज, इसके ऊपर एक आधा मूवी भी आया है, गफला करके मूवी है, देखा है किसी ने? नहीं देखा, होमवर्क आज का, ठीक है, घर जाकर थोड़ा मूवी वूवी देखना, ठीक है, गफला मूवी है, ठीक है। सो आप मूवी देख के थोड़े से अचंभित हो जाओगे, बिकॉज उसमें हर्षद मेहता को बहुत पॉजिटिव दिखाया है, ठीक है, उतना पॉजिटिव कैरेक्टर वो है नहीं, ठीक है। इसके ऊपर और एक फन फैक्ट था, इसका एक चेला था, ऐसा कहा जाता है इसका एक चेला था केतन पारेख, 1999-2000 उसने भी स्टॉक मार्केट को बजा दिया था। केतन पारेख ने सेम फ्रॉड किया, एक्चुअली ही वाज अ सीए, आई गेस सीए था, हाँ। सो केतन पारेख ने स्टॉक मार्केट को बजा दिया, नियरली सेम फ्रॉड किया, सिर्फ उसने क्या किया, उसने नियरली 100-200 स्टॉक ब्रोकर का चेन बनाया और सबको बोला कि 1,00,000 करोड़ रुपए रेडी रखना और सबको शेड्यूल्स दे दिए कि कौन से दिन पे कौन से स्टॉक ब्रोकर में कौन से शेयर में कितना इन्वेस्ट करना है, कि पहले दिन ये, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन वो। अब उस वक्त उन्होंने शेड्यूल क्यों बनाया, बिकॉज सर्किट ब्रेकर सर्किट फिल्टर्स एक्टिव थे। अब एक दिन पे आप बढ़ा बढ़ा के प्राइस कितना बढ़ाओगे, 5%। सो उसने ये फ्रॉड ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स किया, जिस दिन पता चला अगेन स्टॉक मार्केट 700-800 पॉइंट बूम नीचे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? तो ये भी एक फ्रॉड हुआ था, केतन पारेख को उसके बाद में बंद कर दिया गया। आपको पता है केतन पारेख के ऊपर बैन लगाया गया था सितंबर 2014 तक। सितंबर 2014 में स्टॉक मार्केट की हालत इतनी खतरनाक थी कि लोग सोच रहे थे कि हाँ केतन पारेख वापस आएगा। सेबी की इतनी फट गई कि सेबी ने उसका एक्सटेंशन कर दिया अगले 4 साल तक के, बोले ऐसे लोग नहीं आए तो बेटर है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? तो अब देखेंगे है 2018, ठीक है ना, आया तो नहीं तो और एक्सटेंशन एक आधा लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द हर्षद मेहता फ्रॉड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। आई गेस इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड, ठीक है। नाउ मैं चाहूंगा कि सेक्शन नंबर 12 है, इसके साथ साथ में आप पढ़ो। अब मैं एक्चुअली सेक्शन 12 पढ़ भी सकता हूं खुद, लेकिन मैं रादर चाहूंगा कि आप एक बार इसको मन में पढ़ो, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है आपने अंडरलाइन करने चाहिए और फिर बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूं। मैं चाहूंगा साथ में पढ़ना। पेनल्टी तो मैंने बोल दिया 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड व्हिच एवर इज हायर, मतलब कम से कम 25 करोड़ की पावती फटेगी। मैं चाहूंगा एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट। सेक्शन 12 है, याद ऐसे रख सकते हो स्टॉक मार्केट के 12 बज गए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हर्षद मेहता की वजह से स्टॉक मार्केट के 12 बज गए। गो फॉर इट। ओके, समझ में आ रहा है?
चलो एक बार मैं बताता हूं, ध्यान देना। नाउ देखो, सबसे पहले उसने बोला है कि अगर आपने कोई भी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस लगाया है, मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस मतलब आपने एक मैकेनिज्म सेट किया ऐसा कि जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, अ डिवाइस और स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड द करेक्शन विथ इशू और डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा कोई डिवाइस पुट किया जो लोगों को डिफ्रॉड कर सकता है। एंगेज इन एनी एक्ट प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट और वुड ऑपरेट एज अ फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द इशू, या ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने यूज करना जो लोगों को ऊपर फ्रॉड कर सकता है, डिसीट कर सकता है। क्लियर है सब सबको? डिसीट मतलब काइंड ऑफ डैमेजेस वगैरह, क्लियर है? और लोगों को या तो फिर वो कहता है ना धोखा देना, वैसा वाला सिचुएशन करेगा तो ये सभी सिचुएशन में आपको पेनल्टी लगेगा। सिंपली मैं तीनों सिचुएशन को कहता हूं मोडस ऑपरेंडी, एक बार लिख कर रखो MODUS, वहां शायद एक जगह पे लिखा होगा, है क्या? नहीं तो लिख लो मोडस ऑपरेंडी, MODUS OPRENDI, मोडस ऑपरेंडी OPRENDI, इसका मतलब होता है रॉन्ग मोड ऑफ ऑपरेशन, रॉन्ग मोड ऑफ ऑपरेशन, मोडस ऑपरेंडी मतलब रॉन्ग मोड ऑफ कॉलिक बाजों से ऑपरेशन। साथ में लिखना मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, फुल स्टॉप। चल लिख लिया सबने, लेट्स गो। यहां आपका सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन नंबर कौन सा है? 12A। ठीक है, लेट्स गो। एक बार सभी सेक्शंस बोलते हैं, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, उसके अंदर कितने? 6। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा यूनिट सर्टिफिकेट, चौथा लिस्टिंग, पांचवा इन्वेस्ट, छठवा ई फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इनके लिए पेनल्टी 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। एफ फॉर फेल्योर बाय स्टॉक ब्रोकर, उसके अंदर कितने? 3। कॉन्ट्रैक्ट नोट, डिलीवरी पेमेंट, एक्सेस ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए 5 टाइप, डिलीवरी पेमेंट के लिए 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, एक्सेस ब्रोकरेज के लिए 1 लाख और 5 टाइम एक्सेस ब्रोकरेज विच एवर इज, समझ में आ रहा है? 12 बज गए स्टॉक मार्केट के, हर्षद मेहता, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट एंड मोडस ऑपरेंडी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। चलो अगले केस के ऊपर जाते हैं। अगला सेक्शन है 15G और नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब पहले तो ये सेक्शन को मैं समझा दूं एक छोटे से स्टोरी फॉर्म में, ठीक है? छोटा स्टोरी फॉर्म से आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है? आप में से ऐसा कोई है जिसको आगे जाके प्रैक्टिस वगैरह करना है? एनी वन वॉन्ट टू डू प्रैक्टिस? हाँ, लास्ट में नाम बोलो। सुमित, सुम्या, ठीक है? इसको सुम्या, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसका आप नाम सजेस्ट करना चाहते हो साथ में, इधर ये क्लास में जो प्रेजेंट है? यश, यश है, ठीक है? यशु, ठीक है? लेट्स गो। सुम्या, आशु नहीं, यशु, लेट्स गो। नाउ सुम्या को करना था प्रैक्टिस। सुम्या का एग्जाम मई में, सुम्या 18 जुलाई को बन गया सीए सुम्या। 18 जुलाई को क्या बन गया? सीए सुम्या। सुम्या ने डिसाइड करेगा कि मैंने तो प्रैक्टिस ही करना है, बिजनेस सेट करूंगा खुद का, प्रैक्टिस में अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा। सो 18 जुलाई को जैसे ही सुम्या का रिजल्ट लगा, दोपहर को 11 बजे रिजल्ट लगा, सुम्या 11:15 पे ऑफिस में, सब खरीद के रख लिया था पहले, ऑफिस सेट था, पार्टी वार्टी भी बना के रखी थी, जैसे ही 11:15 हुए पार्टी ठोक दी, ऑफिस में आके चेयर पे बैठ गया। सुम्या ने मेहनत करना शुरू किया, 24 घंटे काम करता था, 24 घंटे खाते पीते सोते जाते, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, दिन भर इसके दिमाग में वही चल रहा था। पीआर अच्छा खासा स्ट्रांग था, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी इसके पास आ रही थी, सुम्या बड़ा खुश था, 24 घंटे काम करता। ऐसा सुम्या ने नियरली काम किया 1-2 साल तक के, और सुम्या के नाम की मार्केट में हवाएं बहने लग गई। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, क्लियर है? सुम्या इतना फेमस हो गया कि लिस्टेड कंपनीज तक के सुम्या का नाम पहुंच गया,
और इतना नाम हो गया सुमैका, लिस्टेड कंपनी तक पहुंच गया, यहां तक के रतन टाटा तक पहुंच गया। नाउ रतन टाटा ने सुना सुमैया नाम का एक बंदा है, बोले बहुत खतरनाक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बोले ठीक है अकेला इतना काम करता है, इतना काम करता है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे काम देख के उसका। सो रतन टाटा ने डिसाइड किया कि यार चलो एक बार ट्राई करते हैं सुमैया को थोड़ा सा काम देके देखते। रतन टाटा एक दिन सुमैया के मोबाइल के ऊपर कॉल करते हैं, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ठीक है। सुमैया फोन उठाता है, बोलता है हेलो। रतन टाटा बोलता है हेलो मैं रतन टाटा बात कर रहा हूं। सुमैया बोलता है क्यों मजाक कर रहे हो भैया, ठीक है। रतन टाटा बोलता है अरे सच में रतन टाटा बात कर रहा हूं। सुमैया बोलता है मैं यकीन नहीं करता, ठीक है। रतन अरे सच्ची में रतन टाटा बोल रहा हूं, देख मेरा नंबर भी वही है। बोले मैं यकीन नहीं करता, घर पे आओ तो मानू। सुमैया बोलता है, रतन टाटा बोलता है ठीक है आता हूं। फिर रतन टाटा आते हैं सुमैया के घर पे, सुमैया दरवाजा खोलता है, साक्षात रतन टाटा, सुमैया बेहोश। रतन टाटा थोड़ा सा पानी लाते उसी के घर में से, उसके मुंह पे मारते, बोले उठ क्या 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 हो गया तेरे को। बोले कुछ नहीं, बोले इतने बड़े आदमी को मेरे घर पे इसके पहले देखा नहीं था मैंने। फिर रतन टाटा बोलता है ठीक है मेरे कोई बात नहीं, बेहोश बेहोश हो गया, लेकिन बोले मेरा एक काम था तेरे पास। सुमैया बोलता है बोलो। बोले मैंने तेरा नाम बहुत सुना है, क्या तू मेरे लिए टाटा मोटर्स का ऑडिट करेगा। सुमैया फिर बेहोश। रतन टाटा बोले अब कितने बार बेहोश भरेगा, तो बकेट भर के ला ली उन्होंने बाहर, ठीक है बेहोश हुआ मारो, बेहोश हुआ मारो, क्लियर है कॉन्सेप्ट, फाइन, ठीक है। फिर सुमैया उठता है वापस से, रतन टाटा बोलते तू सच में टाटा मोटर्स को ऑडिट करेगा क्या। सुमैया बोलता हाँ बिल्कुल करूंगा। सुमैया एकदम एक नाखून के ऊपर रेडी हो गया, पैर भी नहीं नाखून, उंगली भी नहीं नाखून। सो सुमैया एक नाखून के ऊपर रेडी हो गया। रतन टाटा बोलते चल लग जा काम पे। सुमैया इतना खुश होता है 24 घंटे का 48 घंटे काम करना शुरू करता है, दोनों हाथों से लिखता है, दोनों आंखों से देखता है, दोनों कानों से सुनता है। सो सिंपल 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। सो सुमैया 48 घंटे काम करता है ताकत से, और एक मस्त ऑडिट रिपोर्ट बनाता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22, और इतना खतरनाक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, रतन टाटा एकदम फुल खुश हो जाते हैं सुमैया पे, कंपनी के नहीं रतन रतन टाटा बेहोश नहीं होते, ठीक है ध्यान देना। सो रतन टाटा एकदम फुल खुश, सुमैया पे एकदम खुश होते हैं। रतन टाटा बोलते तूने जबरदस्त काम किया, दिल जीत लिया तूने, जो तेरा नाम सुना था आज तूने प्रूव कर दिया। रतन टाटा खुशी खुशी में खुद के जैकेट से चेकबुक निकालते हैं, चेक निकालते हैं, चेक के ऊपर नाम लिखते हैं सुमित एंड कंपनी, और ऑडिट फीस लिखते हैं 2000 रुपए। सुमैया चेक दिखता है, बोलता है एक दो जीरो कम हो गए क्या इसमें, है ना। रतन टाटा बोलते हैं वही 2000 रुपए ही फीस है। सुमैया बोलता है बचा हुआ, वो बोले ऑर्फनेज में डोनेट कर दिया तेरे नाम से। सुमैया बोलता है मेरे को डोनेशन की जरूरत है यहां पे, उधर किधर डोनेशन कर रहे हो, ठीक है। रतन टाटा को बोलता है मेरे को और फीस चाहिए। रतन टाटा बोलता है देख चुपचाप सुन ले, पहली बार लिस्टेड कंपनी का ऑडिट मिला है वो भी टाटा का, तेरा नाम बन रहा है बोले, और माच करेगा नेक्स्ट टाइम से ऑडिट भी नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ सुमैया और बातें कर पाएगा क्या इसके बाद में। सुमैया बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, करे तो क्या करे, सहना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी है ना। सो सुमैया आप 2000 के चेक को घर पे बैठे बैठे देख रहा था, मैं क्या करूं सोच रहा था, बोले मैं पैसा तो टाटा से ड्राइव करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुमैया जब ये सोचते रहता है, पहुंच जाता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और 22-23 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का ऑडिट करता है। सुमैया क्वार्टर मतलब ठीक है फर्स्ट क्वार्टर, कौन सा, अप्रैल टू क्या बाद उसे जून, फर्स्ट क्वार्टर का ऑडिट करता है सुमैया। उसको पता चलता है कि कंपनी में 20% प्रॉफिट है। सुमैया 20% प्रॉफिट फिगर देखता है, वापस से अब इस बार फीस कब मिलेगी, एकदम से आइडिया आती है। बोले आज 20% प्रॉफिट मेरे हाथ में लगा है, मैंने ऑडिट किया है, कल ये चीज स्टॉक मार्केट के ऊपर पब्लिश होगी, न्यूज पेपर में पब्लिश होगी, परसों शेयर की प्राइस बढ़ेगी, अगर आज शेयर मैं सस्ते में खरीदूं और परसों में अगर मैं महंगे में बेचूं मेरे को मस्त प्रॉफिट होगा। सुमैया भागते भागते आता है स्टॉक मार्केट में, शेयर परचेस करता है 300 रुपए पे, दो चार दिन वेट करता है, शेयर बेचता है 400 रुपए पे, ऐसा मस्त सुमैया 5-6 लाख रुपए कमा लेता है। नाउ सुमैया इज अ इनसाइडर, ऑडिट करने वाला बंदा, जिसने स्टॉक मार्केट में जाके कंपनी के प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, जो ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अभी तक के पब्लिक में रिलीज नहीं हुई थी, मतलब सबके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब सुमैया को कोई एडिशनल एडवांटेज था। सुमैया ने शेयर खरीदा 300 पे, बेचा 400 पे, 5-7 लाख रुपए सुमैया ने छाप लिए। सुमैया खुश, बोले ऑडिट फीस रिसीव हो गई है। सुमैया मस्त संडे को घर पे बैठा था आराम से, दरवाजा वरवाजा लगा के चाय पी रहा था, मस्त देख रहा था खुद के बैंक बैलेंस स्टेटमेंट वगैरह, 5-6 लाख रुपए पड़े हैं आराम से।
उस वक्त सुम्या के घर की घंटी बजी, टिंग टोंग। सुम्या बोले आज मैं कुछ खोलने नहीं वाला, बोले दरवाजा हो रहा संडे, बोले 5-7 लाख रुपए कमाए, कुछ दरवाजा नहीं खोलूंगा। और एक बार घंटी बजी, टिंग टोंग। थोड़ी देर बाद आवाज आई, दया दरवाजा तोड़ दो, धाड़। नाउ अंदर आते से ही सुम्या ने देखा कौन कौन लोग है, तो उनमें खड़े थे सबसे पहले उपेंद्र कुमार सिन्हा, सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा, साइड में दया, और फिर वो कुछ तो गड़बड़ है दया वाला, है ना, एसीपी प्रद्युमन, वो कितने तो भी करोड़ों सालों से एसीपी ही है ना। सो बेसिकली देखा जाए नहीं तो क्या, वो उसका कभी प्रमोशन होता ही नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आता, और काम बहुत अच्छा करता है बोले, हाँ। सो इतने सारे लोग आते, उपेंद्र कुमार सिन्हा सुम्या को देखता है, बोलता है सुम्या तूने क्या किया तेरे को मालूम है? सुम्या बोलता मैंने क्या किया, अभी 5-7 लाख रुपए कमाए। बोले तेरे को पता है तूने इनसाइडर ट्रेडिंग किया? सुम्या बोलता है ये क्या होता है? उपेंद्र कुमार सिन्हा बोलते हैं दर्शन सर के क्लास में सोता नहीं था तो शायद पता चलता था। फिर उपेंद्र कुमार सिन्हा बैठ के पूरा का पूरा मेरा वीडियो लेक्चर दिखाते जो सोया था, है ना, ठीक है, थोड़ा प्रमोशन भी करना चाहिए ना इंसान ने, है ना। सो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर दिखाते, सुम्या देख के कहीं तो भी याद आ रहा है मेरे को बोला हुआ से, है ना। रतन टाटा सॉरी उपेंद्र कुमार सिन्हा बोलते देख तूने इतना दुष्कृत्य किया है, तूने इतना गलत काम किया है। सुम्या बोलता है प्लीज छोड़ दो मेरे को, माफी दे दो, फर्स्ट टाइम हुआ है। उपेंद्र कुमार सिन्हा बोलते हैं सेबी में बेटा माफी नहीं मिलती, मिलती है तो पावती 25 करोड़ रुपए। कितने की पावती? 25 करोड़ रुपए। जैसे ही पावती सुम्या के हाथ में आती है, सुम्या बेहोश तो हो ही जाता है लेकिन उठने के बाद भी सिर्फ पावती को देखते रहता है, और 25 करोड़ ऐसे 4 बार आंखों के पास से देखे चश्मा लगा के देखता है, 25 करोड़ चेंज ही नहीं होती फिगर, है ना। सुम्या ऐसे पावती को देखते देखते धीरे धीरे आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। सुम्या एंड में फ्रस्ट्रेटेड। अब जब तुम्हारे आंखों से आंसू आते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है? अपना परम मित्र, कौन था? यीशु। सुम्या रोते रोते फोन लगाता है यीशु को, रेशु फोन उठाए, सुम्या फोन उठाते सी यीशु क्या क्या हुआ, अब पकड़ा गया अच्छे से बात तो कर। यीशु बोलता है एक काम कर, ये इससे बात नहीं बनने वाली, तो एक काम कर प्रेस्टीज पॉइंट पे नीचे चाय के टपरी पे आ, वहां पे बैठ के बात करते, ठीक है। नाउ प्रेस्टीज पॉइंट पे नीचे आ रहा है, पूना में प्रेस्टीज पॉइंट सीए का हब है, सबको ही मालूम होगा, है ना। सो नीचे चाय पे लिए यीशु और सुम्या दोनों मिले, यीशु आते आते 2-4 टॉवेल साथ में लेके आया, पता नहीं कितना रोएगा ये सुनो। अब सुम्या रो रहा है, यीशु चाय पे चाय पी रहा है, ठीक है, बीच में थोड़ी सी चाय खारी भी हो गई थी, समझ में आ रहा है सबको, हाँ। अरे क्या हुआ तुमको, तो नमक ज्यादा डाल दिया होगा उसने, तुम क्यों गलत सोच रहे हो, ठीक है। सो सुम्या चाय पीते रहता है, यीशु चाय पीते रहता है, सुम्या रोते रहता है। फिर एंड में सुम्या कहीं तो भी जाके बंद होता है, यीशु बोलता क्यों रे क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले यार वो इनसाइडर ट्रेडिंग किया। बोले ये क्या होता है? बोले तू भी सो रहा था। रुद बोले मेरे पास अभी भी पढ़ा है, बोले वीडियो लेक्चर तेरे को दिखा दो, मेरे को मालूम था तेरे को नहीं आएगा, ये देख बोले। सो दोनों बैठ के देख रहे लेक्चर, यीशु को समझ में आता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। बोले क्या पगला आदमी है, बोले तू खुद जाके ट्रेड किया, बोले पागल आदमी, ऑडिटर भी खुद ट्रेड भी खुद ही कर रहा है, बोले क्या होगा तेरे साथ में, बोले मेरे से सीख, बोले क्या करना चाहिए, बोले क्या करना चाहिए, बोले नेक्स्ट टाइम तेरे को ऐसा कोई प्रॉफिट फिगर दिखा तो सबसे पहले मेरे को कॉल लगा देना, मैं देख लूंगा क्या करना है। फिर दूसरा क्वार्टर, यीशु क्वार्टर मतलब, सो सेकंड क्वार्टर कौन सा? जुलाई टू क्या बोले बाजो से सेप्टेंबर। प्रॉफिट सुम्या को देखता है 30%। सुम्या इमीडिएटली खुश, लेकिन खुशी दबाते दबाते यीशु को फोन करता है, बोले हेलो 30%। यीशु जाता है स्टॉक मार्केट में, 400 पे शेयर परचेस करता है, 500 पे बेचता है, 50 रुपए सुम्या के, 50 रुपए यीशु के, बाटलिया मस्त, दोनों घर पे आराम से। ये इस बार टिंग टोंग यीशु के घर पे हुआ, ठीक है। यीशु बोलता है दरवाजा तोड़ने से अच्छा खोल दू पहले यहां। यीशु जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है तो उपेंद्र कुमार सिन्हा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यीशु बोलता है कैसे आना किया? बोले तुमको तो मालूम ही होगा, तुम नहीं तो कांड किया है, ये सुनो आना तो था हमको। तो यीशु बोलता है ठीक है यार गलतियों की छोड़ दो, माफी दे दो। उपेंद्र कुमार सिन्हा फिर बोलते हैं सेबी में माफी नहीं मिलती, क्या मिलती है? पावती 25 करोड़। अब यीशु पावती देखते रहता है, उपेंद्र कुमार सिन्हा पलटते घर जाते रहते, एकदम उनको एक आइडिया आता है, एक सोच आती है। वो सोचते यीशु का और टाटा मोटर्स का क्या लेना देना,
वो यीशु की तरफ पलटते, बेटा तेरा और टाटा मोटर्स का क्या लेना रहा? यीशु बोलता है, बोले कोई और इन्वॉल्व है? यीशु बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। उपेंद्र कुमार सिन्हा बोलता है, सच्ची बता दे, अभी तेरे पास टाइम है। यीशु बोलता है, नहीं बताऊंगा। फट फट सुमिया स्ट्रेट अवे, है ना? वो देखा नहीं आपने सीआईडी में, एक झापड़ पड़ती है तो स्ट्रेट अवे रोना शुरू कर देता है ना, वैसा वाला फाड़ फाड़ ये डायरेक्ट चिल्लाता है क्या, सुमिया। स्ट्रेट अवे उपेंद्र कुमार सिन्हा गाड़ी लेके निकलते हैं सुमिया के घर पे। एक एडिशनल पावती बनती है, कितने की? 25 करोड़। सुमिया दो आंखों से दो पावतियां देख रहा है, यीशु एक दोनों आंखों से एक ही पावती देख रहा है। सुमा गया 50 करोड़ से, यीशु गया 25 करोड़ से। वो बोले अपने बस की बात नहीं है, एखादे एक्सपर्ट पर्सन को कंसर्न में लेना पड़ता। एंड में फोन आता है मेरे को, अब पढ़ाया तो मैं नहीं था, जाएंगे कहां पे? सो फोन आता है, हेलो, ये दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे। कहां पे फोन लगा लिया भैया तुमने? मैं बोला एक काम करो, थोड़ा रोना बंद करो, चाहिए तो कॉन्फ्रेंस कॉल में एक आध घंटा ले लो, बाद में मेरे को फोन करना। दोनों का रोना बंद होता है, थोड़ी देर वापस कॉल आता है, सर हमको तुमसे मिलना था। बोला क्यों, क्या हुआ? रिजल्ट तो पहले लग गया, तुम्हारा पास भी हो गए तुम तो? नहीं, बोले सर फिर भी मिलना था। मैं क्या हुआ क्या? सर बोले तुमको मिलने के बाद बताएंगे। बोले काम करो, प्रेस्टीज पॉइंट पे नीचे आओ। बोले चाय के टपरे। हाँ हाँ, बोले सीसीडी में बात करनी है, बात कर उसके नीचे अपन कभी नहीं जाएंगे, ठीक? अपनी भी कोई इमेज है, हाँ ना? सो उसके नीचे अपन नहीं जाएंगे। तो अब ये दोनों आए सीसीडी में। हाँ, बोला बिल भी तुम ही पे करोगे, ठीक है। सो ये दोनों आए सीसीडी में, दोनों के चेहरे एकदम लटके हुए, दोनों के तरफ क्यों, क्या क्यों इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो? दोनों लोग मेरे को पावती दिखाते। सर बोले तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग सुना है? मैंने बोला मैंने तुमको पढ़ाया, तुम जरा, दोनों के दोनों लोग सो रहे थे और दोनों मेरे को पूछ रहे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, शर्म नहीं आती तुमको? हाँ सर, बोले तुमको पता ही होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। सर ये दोनों पावतियां उसी से आई सर, ये मेरी 25-25 की 2 और इसकी 25 की 1, ठीक है। मेरा तो कितने पगले आदमी होने वाला, कि एक तो पहले तो बोला उसने खुद ने ट्रेड किया ऑडिटर होते हुए, दूसरा बोला तेरे को फोन किया, वो भी एविडेंस मेंटेन किया। ऐसे नहीं करते, मेरे से सीखो। मैंने सुमिया को बोला कि नेक्स्ट टाइम तेरे को प्रॉफिट दिखे तो कुछ कॉल वॉल मैसेज वैसेज कुछ नहीं, सिर्फ घूमते घूमते ऐसे ही भटकते भटकते टाटा मोटर्स के छत पे आना, मैं सामने खड़ा रहूंगा, मेरे को सिर्फ इशारा करना, सर हम, ठीक है सर, क्या हम, मैं समझ जाऊंगा। बोला शी गंदे लोग, ऐसे फटके दूंगा ना लाइफ में तुमको, शीशी कर रहे, ठीक है, ध्यान देना। टीचर को तो छोड़ दो, मेरी भी कोई इज्जत है, ठीक है, लेट्स गो। सो नेक्स्ट क्वार्टर, सो क्या बोले एक बार ध्यान देना, तुम्हारे क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा रोक लगाओ अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वार्टर, अगला क्वार्टर आता है, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर। प्रॉफिट दिखता है सुमिया को 40%। सुमिया एकदम रहा नहीं जाता, भागते 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 छत पे आता है, फिर बोला था कि शांति से करना। फिर सुमिया थोड़ा सा टहलता है इधर उधर, फिर देखता मैं सामने खड़ा हूं, फिर सुमिया सर मैं एकदम सीधा स्टॉक मार्केट में जाके शेयर परचेस करता हूं, 500 रुपए में बेचता हूं 800 रुपए में, अपनी भी कोई इज्जत है ना। सो 800 रुपए में 100 मेरे, 100 यीशु के और 100 सुमिया के, इस बार टिंग टोंग बजता है मेरे घर पे। मैंने दरवाजा नट बोल्ट के साथ ही बाहर निकाल के रख दिया था, और टेंशन ही नोको, आए तो स्ट्रेट ही अंदर आ जावे। सो सब अंदर आते हैं, उपेंद्र कुमार सिन्हा बोलते हैं, सर इतना प्रैक्टिकली कंसेप्ट पढ़ाते? मैं बोला था नहीं, वो सो रहे थे ना, तो उनको बताना था मेरे को कैसे होता है करके, तो पढ़ा रहा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे किया जाता है, वैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, बोले सर इतने प्रैक्टिकली पढ़ा दिया। बोला हाँ वो तो है, अब क्या करना है कर लो। मस्त वो पावती निकालते हैं, देते हैं मेरे को 25 करोड़, सर बधाई हो। बोला हाँ ठीक है भैया। फिर उपेंद्र कुमार सिन्हा सोचता है, दर्शन सर का और टाटा मोटर्स का क्या लेना देना? फिर वो मेरी तरफ पलटते हैं, सर बता दो कौन था? मैं बोला मारना मत सुमिया, यीशु जाओ, मार नहीं खाना, ठीक है, आदमी चाहिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला सुमिया यीशु जाओ पकड़ लो। लास्ट पावती फटती है, सुमिया के नाम पे 25 करोड़, यीशु के नाम पे 25 करोड़। सुमिया गया 75 करोड़ से, यीशु गया 50 करोड़ से, और मैं गया 25 करोड़ से। इनसाइडर ट्रेडिंग करने के 3 तरीके।
बंदा अगर खुद करे, बंदा अगर इंफॉर्मेशन शेयर करे, या बंदा सिर्फ इशारे करे, डायरेक्शन दे। समझ में आ रहा है? ये तीन ही अब नहीं बताऊंगा मैं, कोई इशारा नहीं बताऊंगा, तुम साले गंदे लोगो हट। सो 75 करोड़, ठीक है, बंदा अगर खुद करे तो पेनल्टी ऑफ कोर्स प्रूव होने के लिए बहुत स्ट्रांग होगा, बंदा अगर इंफॉर्मेशन दे तो भी पेनल्टी सेम होगा, और बंदा अगर डायरेक्शन भी दे तो भी पेनल्टी सेम होगा। लेकिन देखो इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी इतनी तगड़ी है 25 करोड़, तो देखो सेबी भी लगाते वक्त सोचता है, मतलब मटेरियल फ्रॉड होना चाहिए। अब अगर फ्रेंकली बोलू वैसे तो छोटे छोटे मोटे इनसाइडर ट्रेडिंग के फ्रॉड तो सभी करते हैं, ठीक है, मैंने भी कही तो भी मतलब बोलना नहीं चाहिए, वर्चुअल है ना, सो मैंने भी कभी तो भी ट्राई किया था, पर वो 10-20 हजार का था। अब 10-20 हजार के लिए सेबी 25 करोड़ की पेनल्टी नहीं लेके आएगा, मेरे को पूरा झटक भी दिया तो भी 25 करोड़ नहीं निकलता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो मतलब सेबी ने भी कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो सेबी को भी पता है कि हाँ भैया तू 1-2 करोड़ का फ्रॉड कर तो 25 करोड़ पे करने लायक आदमी होगा, क्लियर है। तुम 10-20 हजार का इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे, अरे वो तो नॉर्मल ट्रेडिंग से भी गुआ गुजरा हुआ, ठीक है। हाँ 2-3 करोड़ का फ्रॉड कर रहे हो, 10 करोड़ का फ्रॉड कर रहे हो तो सेबी पावती लेके आता है, नहीं तो तुम्हारे घर पे आएंगे तुमको बेच भी डाला पूरा का पूरा तो भी 25 करोड़ वसूल नहीं होंगे। तो सेबी मटेरियलिटी को भी कंसिडर करता है। हाँ ये भी चीज है सर, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रूव कैसे होगा? तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रूव होता है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रूव हो गया तो वो ऐसा एग्जांपल सेट करते हैं कि बाकी सब लोग वैसे ही डर जाए। क्लियर है सर? एक अपने लॉ में तो नहीं, अपने लॉ में तो बहुत गए गुजरे से एग्जांपल है, एक फॉरेन लॉ का एग्जांपल है, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता सुना है सबने, हालांकि वो हमारे सेक्शन के नंबर के साथ भी आता है, जी फॉर गुप्ता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। या जिसको जी फॉर गुप्ता पसंद नहीं आया तो इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर मतलब घर वाला, ट्रेडिंग मतलब कंपनी को डैमेज कराए तो घर का बेदी लंका ढाए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो जी फॉर एक तो रजत गुप्ता याद रखो, नहीं तो घर का बेदी लंका ढाए याद रखो, आपकी मर्जी, और आप इनसाइडर ट्रेडिंग को याद कर सकते हो। रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था जिसका पिनलाइजेशन, ही वॉज बेसिकली अ डायरेक्टर फॉर गोल्डमैन सैंक्स वगैरह, अच्छे अच्छे कंपनीज का कैपिटल मार्केट का डायरेक्टर था, $8 मिलियन की पेनल्टी उसके ऊपर ठोकी गई, $8.3 मिलियन, साथ में उसके ऊपर जेल बोला गया था 7 साल का। बंदे ने 7 7 7 60, उसके पास 60 साल बचे होंगे ना जिंदगी में तो करेगा ना, ठीक है। सो 7 इयर्स का पेनल्टी बोला गया था, नाउ $8.3 मिलियन का पेनल्टी एंड 7 इयर्स का जेल, तो उसने कंपाउंडिंग करवाया। ये कंपाउंडिंग का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। रजत गुप्ता ने जेल को करवाया 0 और पेनल्टी को और 3 मिलियन से बढ़वा दिया, मतलब टोटल उसने क्लीन चिट मांगा जेल से और पेनल्टी पे कर दी $11.3 मिलियन, और वो इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस में से जेल होने से छूट गया, बिकॉज रजत गुप्ता का पहला ही ऑफेंस था। क्लियर है सब? इसके बाद में करेगा तो हो सकता है उसको जेल पिनलाइजेशन किया जाए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो दिस इज हाउ द इनसाइडर ट्रेडिंग इज डन। इनसाइडर ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा अच्छा सेंटेंस जो काम का है वो मेरे पीछे बोलना, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बोलो, बाय इनसाइडर और हिज एसोसिएट्स इज अ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, एक बार फिर से, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इनसाइडर और हिज एसोसिएट्स इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो अब तक पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ, नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव, जो प्राइस को विटिएट कर सकता है, ऐसे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इनसाइडर या उसके एसोसिएट ट्रेड करे तो क्या कहा जाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग। और यहां एसोसिएट की डेफिनेशन इतनी ज्यादा है, मीनिंग इतना एक्सटेंडेड है कि हर वो बंदा एसोसिएट बन जाएगा जिसको नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, मतलब इन्होंने उसको स्ट्रेट अवे इनडायरेक्ट रख दिया, जो भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन का एक्सेस रख सकता है वो हर बंदा एसोसिएट में आ जाएगा। क्लियर है सर? मतलब बचने के चांसेस ही नहीं है डेफिनेशन वाइज, तो भी समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये चीज को याद रखना, सेक्शन नंबर है 15G, वहां पे मैंने 3 पॉइंट में 3 तरीके बोले हैं, एक तो खुद करे, एक तो इन्फॉर्मेशन दे, नहीं तो एक तो डायरेक्शन दे। मैं चाहूंगा सेक्शन को पढ़ लो, पेनल्टी है 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव, विच एवर इज हायर, गो फॉर इट फास्ट।
चलो हो गया सबका, साइड में नोट पुट करके रखो। देखो अगर आपको कभी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ी लॉफुली, मतलब कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है इंफॉर्मेशन शेयर कर, या आप ऑडिट रिपोर्टिंग किसी को कर रहे हो, तो उसे इनसाइड ट्रेडिंग में नहीं गिना जाएगा। तो साइड में लिखना एनी सप्लाई ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन, एनी सप्लाई ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन, एनी सप्लाई ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड एज पर लॉ, और रिक्वायर्ड एज पर लॉ इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग, इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग। नीचे डेफिनेशन लिख लो, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक, नॉन पब्लिक, नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इनसाइडर इंफॉर्मेशन by insider or associates, by insider or associates, by insider or associates is insider trading, is insider trading full stop, full stop। लिख लिया सबने? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। चल अगले सेक्शन की तरफ जाते हैं। अब दो तीन ही सेक्शन बचे हैं, देखना छोटे, एक छोटा सा बड़ा है लेकिन नियरली आपके कवरअप हो जाएंगे। सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट करना अच्छे से। अगले सेक्शन के ऊपर जाते हैं। अगला सेक्शन है 15H, और इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा प्रैक्टिकली जो हुआ था। देखो कंपनी लॉ में भी मैंने ये केस डिस्कस किया था, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो, और अलाइड में भी मैं नियरली सेम केसेस ले रहा हूं बिकॉज इसके डिटेल्स आपको बहुत तहे से याद है, और जिनका अलाइड में नहीं, अभी कल तक कंपनी नहीं हुआ है, उनका आगे कंपनी लॉ में ये केस वापस से होगा। केस का नाम है टाटा कोरस, हाँ चौरस नहीं कोरस, और सीएसएन, और क्या बोले एक बार, सीएसएन केस को बोलता हूं, उससे सेक्शन समझने में काफी आसानी होगी। टाटा कंपनी ने कोरस कंपनी के लिए 19th ऑफ अक्टूबर 2006 को बिड प्लेस किया था कि कोरस कंपनी के 100% शेयर्स टाटा एक्वायर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो देने के लिए रेडी थे सभी शेयर होल्डर को $8.04 बिलियन, $8.04 बिलियन, अ ह्यूज अमाउंट। बीच में एक कंपनी टपक पड़ा, ब्राजीलियन कंपनी सीएसएन, जिसने 20th नवंबर 2006 में ही इस कंपनी के लिए, कोरस के लिए बिड किया था, और वो बिड था $8.4 बिलियन, मतलब 0.36 बिलियन ज्यादा। टाटा का दिमाग खराब हो गया, टाटा ने आज तक कोई एक्वाइजेशन सोचा है और हुआ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट बिड प्लेस किया ऑन 20th ऑफ डिसंबर 2006, $9.6 बिलियन। सीएसएन बोला हम भी पीछे नहीं हटेंगे, सेम बिड सीएसएन ने सेम डे पे रिपीट किया जो टाटा ने दिया, $9.6 बिलियन। ये दोनों पागल के जैसे बिड किए जा रहे, और बीच में कोरस कंपनी पागल हो रही थी, बोले एक दिन ये एक दिन वो, क्या लगा के रखा। तो कोरस कंपनी ने इन सबको एक डेट दे दिया, डेट पता है सबको, हाँ ना, डेट दिया 31st ऑफ जनवरी 2007। अरे तो डेट बोल रहा हूं मैं 31, क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको। सो कोरस कंपनी ने डेट दिया 31st जनवरी 2007, बोले इस दिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा बिड करेगा मैं उसकी हो जाऊंगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ। सो सीएसएन कंपनी ने मजाल मारते मारते सीएसएन कंपनी पहुंची 10.4 बिलियन डॉलर्स तक, टाटा ने बोला हड 11.3 बिलियन डॉलर्स, और कोरस कंपनी टाटा की हो गई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ, क्लियर है कंसेप्ट, यस और नो। नाउ ये पूरे बिड में आपने समझने लायक क्या है, तो अब मैं सेक्शन नंबर 15H को पुट कर रहा हूं, ध्यान देना। जब टाटा कंपनी कोरस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बिड करेगी, तो सबसे पहले टाटा कंपनी ने देना चाहिए डिस्क्लोजर कि उसका ऑलरेडी कोरस के अंदर परसेंटेज होल्डिंग कितना है,
ऑलरेडी कोरस के अंदर परसेंटेज होल्डिंग कितना है. अगर टाटा 10% होल्ड कर रहा है, 10-20 होगा, 20 जितना भी है उतना. दूसरा, टाटा ने देना चाहिए पब्लिक नोटिस सभी के सभी पब्लिक को, कोरस कंपनी के एज वेल एज टाटा कंपनी के इंडिया में. न्यूज़पेपर में ये नोटिस आपको पब्लिश करनी पड़ती है. दो टाइप के न्यूज़पेपर, एक समझने वाला एक ना समझने वाला, मतलब एक रीजनल एक इंग्लिश. समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना. तीसरा इनको देना पड़ता है इंडिविजुअल नोटिस. कौन सा नोटिस? इंडिविजुअल. कौन सा नोटिस? इंडिविजुअल. और इंडिविजुअल नोटिस सभी शेयर होल्डर्स को ऑफ द कोरस कंपनी, बिकॉज आप कोरस के 100% शेयर एक्वायर कर रहे हो, आप कोरस को वोली ओन सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो. समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो. और चौथा, आपको कंपल्सरीली इन सबको कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा. अगर आपने चैलेंज किए हुए दिए गए कंसिडरेशन को, डिक्टेट किए गए कंसिडरेशन में और दिए गए कंसिडरेशन में, मतलब जो आपने बोला था और जो आपने दिया, इसके अंदर थोड़ा भी या एक रुपए का भी डिफरेंस निकला तो भी आपको पिनलाइजेशन किया जाएगा. और पेनल्टी है 25 करोड़ या 3 times ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड, व्हिच एवर इज हायर. अगर चारों पॉइंट तोड़ते हो तो 100 करोड़ या 3 times ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड, व्हिच एवर इज हायर. सर इस केस में सर प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? बोल सकते हो क्या होगा? कौन सा वाला प्रॉफिट? कंपनी वाले अगे बताओ प्रॉफिट क्या होगा. हैव यू एवर हर्ड अबाउट सिनर्जी? जब मर्जर होने के बाद दो लोगों का सिनर्जी होता है, एट दैट टाइम आपने देखा होगा तो सिनर्जी का वैल्यूएशन किया जाता है. वो सिनर्जी वैल्यूएशन विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट और उसके 3 times आपको पावती मिलेगी. क्लियर है सर? ये है सेक्शन नंबर कौन सा? 15H. और 15H के 4 points कौन कौन से? जोर से बोलो. पहला डिस्क्लोजर, दूसरा पब्लिक नोटिस, तीसरा इंडिविजुअल नोटिस, चौथा कंसिडरेशन. 15H, एच मतलब होल्डिंग्स. टाटा कंपनी कोरस की होल्डिंग बनना चाहती है. क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना, जोर से बोलो. बड़े सर नो सो एच फॉर जोर से बोलो क्या है? होल्डिंग्स. क्लियर है? लिख लो फास्ट. केस है, केस भी चाहिए तो लिख लो और 15H भी लिख रहे ना. एच फॉर होल्डिंग कर. ये जो 4 words है, ये 4 words आप मार्क कर लो. वहां 4 points में दिए होंगे, डिस्क्लोजर, पब्लिक नोटिस, इंडिविजुअल नोटिस, कंसिडरेशन. मार्क कर लो. चलो लिखना हो गया सबका, हाँ ना, लेट्स गो आगे बढ़े. चलो लेट्स गो. हार्डली 3 sections बाकी है, छोटे छोटे से, सो कंप्लीट कर लेते हैं. आ जाओ. ओके सो स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, मुझे एक बार सभी सेक्शंस बोलो. रेडी? ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड. उसके अंदर कितने? 6.
रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, यूनिट सर्टिफिकेट, लिस्टिंग, इन्वेस्ट, रिफंड, क्लियर है? ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सबके लिए पेनल्टी 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज अगला। एफ फॉर फेल्योर बाय ब्रोकर, उसके अंदर कितने? 3, पहला कॉन्ट्रैक्ट नोट कितना? 5 टाइप। दूसरा डिलीवरी और पेमेंट कितना? 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। तीसरा एक्सेस ब्रोकरेज कितना? 1 लाख और 5 टाइम एक्सेस ब्रोकरेज, विच एवर इज हायर। क्लियर है? 12 बज गए हर्षद मेहता, 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड, क्लियर है? उसके बाद 15G फॉर घर का वेदी लंका ढाई रजत गुप्ता, इनसाइडर ट्रेडिंग कितने तरीके से? 3, पहला खुद करे, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा डायरेक्शन। पेनल्टी कितना? 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड, विच एवर इज हायर। एच फॉर होल्डिंग, होल्डिंग में 4 पब्लिक, पहला डिस्क्लोजर, दूसरा पब्लिक नोटिस, तीसरा इंडिविजुअल नोटिस, चौथा कंसिडरेशन। कितना? 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड, विच एवर इज हायर। अगला पेनल्टी एक बार जरा रीड करते हैं, 15H वाला, HA वाला। मैं चाहूंगा 15H सब जन साथ साथ में बोलना, रेडी? साथ में 1, 2, 3 बोलो, क्या है? इफ एनी पर्सन इंडल्ज इन अ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, कैन आई से सेक्शन इज अबाउट फ्रॉड? जोर से बोलो हाँ, ना? तो सेक्शन का फ्रॉड का है, पेनल्टी भी सेम है, 25 करोड़ या 3 टाइम्स प्रॉफिट डिराइव्ड, विच एवर इज हायर। लेकिन इस सेक्शन में प्रॉब्लम यह है कि सेक्शन याद कैसे करें, ठीक है? बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे पास एक तरीका है, मैंने इसको नियरली मेरे 8वें 10वें क्लास में ढूंढ के निकाला था। तरीका इतना खराब है कि हो सकता है थोड़ी देर बाद आप मेरे को मारो, ठीक है? मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं आपको, ठीक है? कोई रिफंड विफंड कुछ नहीं मिलेगा, तरीका बहुत खराब है, हो सकता है सुनने के बाद आपको बहुत ही सर क्या कर दिया ऐसा लगे, ठीक है? सो अब देखो तरीका समझो अच्छे से, ध्यान दो। नॉर्मली देखो सेक्शन है फ्रॉड का, हम फ्रॉड वगैरह की बारे में इतने रिलक्टेंट हो गए, इंडिया में आए दिन इतने फ्रॉड होते हैं और हम इतने रिलक्टेंट हो गए हैं कि हमको आजकल इसका कुछ नहीं लगता। समझो एक आधे मॉर्निंग को आप संडे को बैठे थे मस्त चाय पीते हुए 10 बजे एकदम आराम से, पेपर आया आपने, न्यूज़पेपर का एक न्यूज पढ़ा कि इंडिया में ये फ्रॉड हो गया, ये स्कूल स्कैम हो गया एक्सेट्रा। तो जब आप ऐसी आजकल खबर पढ़ते हो तो आपको दुख नहीं होता, आप उल्टा हंसते हो, हा हा फ्रॉड हो गया। वो जो हा हा है, वो जो क्या है, हा हा, वो हा हा को याद रखना, मेरे आंसर सबको हाँ, वो हा हा को क्या कर रखना, याद रखना, मेरे पीछे बोलना, हा हा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, हा हा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, एक और बार हा हा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। देखो बराबर याद है, बाकी सब भूल जाओगे आप, ये जरूर याद आएगा आपको, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, लिख लो, हा हा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। मैं पहली सॉरी बोल दिया था आपको, ठीक है? हा हा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है? चलो एक बार मुझे सभी सेक्शन वापस बोलो। ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंस बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, एफ फॉर फेल्योर बाय ब्रोकर, जी सॉरी 12 बज गए हर्षद मेहता, 15G फॉर रजत गुप्ता, इनसाइडर ट्रेडिंग, एच फॉर होल्डिंग, होल्डिंग में कितने? 4, कौन कौन सा? डिस्क्लोजर, पब्लिक नोटिस, इंडिविजुअल नोटिस, कंसिडरेशन। 15HA फॉर हा हा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, क्लियर है सब सबको? हाँ, है ना? अगले सेक्शन के ऊपर जाते हैं, मानसिक संतुलन बिथरा हुआ दिख रहा है कुछ लोगों का। अगले सेक्शन के ऊपर जाते हैं, प्रूव कर दिया इमीडिएटली, ठीक है? अगले सेक्शन के ऊपर जाते हैं, अगला सेक्शन है HB। अब आप मेमोरी टेक्निक बनाने में इतने क्रिएटिव हो गए हो तो ये खुद ही बना सकते हो, ठीक है? साथ साथ में जरा ट्राई करना, आपको आ जाएगा, इजी है, रेडी? बस साथ साथ में 1, 2, 3 बोलो, क्या है? Whosoever fails to comply with any provision of this act, rules or regulations made or directions issued by the board thereunder for which no separate penalty has been provided. बोले इस एक्ट में अगर किसी भी कॉन्ट्रावेंशन के लिए सेपरेट पेनल्टी नहीं दिया है तो ये वाली सिंपल पेनल्टी लग जाएगी, जो जितनी सिंपल है 1 करोड़। क्लियर है सब? नाउ सेक्शन नंबर कौन सा है? 15HB। कुछ सोचता है? हब ऑफ पेनल्टी, क्लियर है सब? HB फॉर हब ऑफ पेनल्टी, कहीं अगर पेनल्टी नहीं रही तो हब में से उठा लेना,
ये रहेगा सर एच बी फॉर हबोप्योनॉटिक, लास्ट वाले से अच्छा था ना, हाँ है ना, चलो लिख लो एच बी फॉर हब ऑफ पेनॉल्टी, लास्ट वाला भी लॉजिकल था सर, वो लॉजिक फिट होने में टाइम लगता है और कुछ नहीं, एच बी फॉर हब ऑफ पेनॉल्टी, क्लियर है? और सिंपल पेनॉल्टी कितना है 1 करोड़, क्लियर है? ओके, एक बार सभी लेते वापस से ऊपर देखो, देखो ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, कितने 6, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा यूनिट सर्टिफिकेट, चौथा लिस्टिंग, पांचवा इन्वेस्ट, छठवा रिफंड, ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सबके लिए पेनल्टी 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, एफ फॉर फेलियर बाय ब्रोकर, उसमें कितने 3, कॉन्ट्रैक्ट नोट 5 टाइम, डिलीवरी पेमेंट 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, एक्सेस ब्रोकरेज 5 टाइम ऑफ ब्रोकरेज और 1 लाख विच एवर इज हायर, 12 बच गए, हर्षद मेहता मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट मोडस ऑपरेंडी, पेनल्टी 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, जी फॉर रजत गुप्ता इनसाइडर ट्रेडिंग, 3 तरीके, खुद करे, इन्फॉर्मेशन दे, डायरेक्शन दे, 25 करोड़ या 3 टाइम, अगला एच फॉर होल्डिंग, होल्डिंग में 4, डिस्क्लोजर पब्लिक नोटिस इंडिविजुअल नोटिस 25 करोड़ या 3 टाइम, एच ए फॉर हाँ क्या हो गया फ्रॉड हो गया 25 करोड़ या 3 टाइम, एच बी फॉर हब अप टू 1 करोड़, इतनी सारी पेनल्टी आपको बोली, अगर आपने इसमें से कोई भी पेनल्टी 90 डेज के अंदर पे नहीं की तो 1 महीने से लेकर 10 साल तक के आप जेल में रहोगे, और ऊपर से पेनल्टी ना पे करने पे और पेनल्टी लग सकती है 25 करोड़ तक के, हद होती है, पहली पे नहीं की दूसरी लेके आ गए, क्लियर है सब सबको, हाँ ना, और ये सेक्शन का नंबर है 24, दैट इज पेनल्टी नहीं पे की तो 24 घंटे जेल में, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, लिख के रखो 24 घंटे जेल में 24 घंटे जेल में, चौबीस घंटे जेल, क्लियर है आंसर सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर ना, यहां पे आपके पेनल्टीज ऑफ सेबी होते हैं खत्म, मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक अच्छी खबर है करके, हाँ है ना, सो अच्छी खबर भी होती है खत्म और बुरी खबर भी होती है खत्म, आज के लिए हम यहां पे काफी करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टूडे, हैव ए नाइस डे, कल मुझे सब पेनल्टीज टंग पे चाहिए, क्लियर है आंसर, साथ में सेबी का पूरा पोर्शन, ठीक है, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बोलो जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।